नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए प्रभु, हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। फिलहाल गपबाजी के लिए आपके सामने हूँ और मेरे साथ है मेरे दोस्त कमाल के एक्टर और कमाल के नागरिक, और ये तीसरा वाला आज की तारीख में, शायद हर तारीखों में, शायद तारीख में दर्ज होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओहदा होता है, काम होता है, नागरिक होना। ज़ीशान अयूब जी, एक तो भयानक वाली तो ठंड पड़ रही है, एनएसडी के टाइम पे इतनी हचक के तो नहीं पड़ी होगी भाई? इतनी नहीं होती, 117-18 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। अब मतलब दिमाग खराब हो गया। मैं देखो, आपको आवाज से पता लग रहा होगा, जुकाम हो गया है। आते हम बड़े शेर बने थे, मैं तो घर पे बीवी ने बोला भी कि थोड़ा इनर विनर कायदे से ले जाओ, पर वो ये होता है ना मेल ईगो, तो हमने कह रहे हैं हमें कहाँ ठंड लग रही है, पर आती भाई। अच्छा, ये हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करते हैं मेल ईगो, गाड़ी तेज चलाने में, भाई को तेरी ठंड नहीं लगती। हाँ, है? सारी गलत चीज़ें जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरा मानना है मेल ईगो में ही काम आती है, उसके अलावा कहीं काम नहीं आती भाई। बोले किसी सही चीज़ में मैंने तो नहीं सुनी कि हाँ यार मेल ईगो की वजह से इसमें फ़ायदा हो गया, कभी आपने सुना है क्या? मतलब मैंने तो नहीं सुना। हाँ, ईगो में भिड़ गए हैं। हाँ, ईगो खराब ही है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सिनेमा के इतर वजहों से न्यूज़ में हैं, है ना? एक बार बार बात कही जाती है कि अपने यहाँ एक्टर्स ज़्यादा बोलते नहीं हैं पॉलिटिकल मसलों पे, और ये अब से नहीं, मतलब दिलीप साहब के टाइम से, मतलब वो कांग्रेस का प्रचार करने जाते थे, इमरजेंसी में भी चुप रहे, किशोर की उस पर भी लगा, तो ये ऐसा माहौल क्यों बन गया? ये सिर्फ एक्टिंग तक महदूद है या सारी फील्ड्स में है कि यार नेताओं से बच के रहो टाइप का? यार आई थिंक नेताओं से बचने वाला तो एक है ही, पर मतलब हर फील्ड में ही मुझे तो ये लगता है, तो जैसे बहुत ज़्यादा फील्ड के लोग उस तरह से बोल भी नहीं रहे, और शायद इसीलिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट किसी फील्ड में पहुँचे नहीं होते हैं तो वो ज़्यादा फ्री होते हैं। पर आर्ट का लेके ना, मेरा तो एक साफ मानना ये है, आर्ट को लेके ना बड़ी गलत फहमियाँ बहुत पिला दी जाती हैं, जो कि भी मतलब उसकी डिटेल में अगर आप घुसते हैं तो किस तरह से वो भी एक कॉन्स्पिरेसी में ही कहीं ना कहीं आ जाता है, कि जब बड़े बड़े फंड करने वाले ऐसे फोर्ड फाउंडेशन जैसी जगहें जो थी, कि भाई ऐसे ही चीज़ को फंड किया जाएगा जो आर्ट फॉर आर्ट से एक की तरफ बढ़े, आर्ट फॉर पॉलिटिक्स या उस सब, समाज से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो आर्ट का कोई रिश्ता समाज से नहीं होता, का जो एक पूरा प्रपंच रचा गया है ये, उसके चक्कर में ना आदमी पता नहीं क्या एक बना के बैठ जाता है कि हाँ मैं तो आर्टिस्ट हूँ। तो आदमी बोलता भाई हुआ क्या आपके साथ आर्टिस्ट होने पर? आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर चलते हो या आपके आसपास की चीज़ों से कुछ घटता नहीं, बल्कि आइडियली तो उल्टा होना चाहिए। अगर आप आर्ट में हैं, आपके पास कोई बात कहने को है, आपके पास अपनी बात को व्यक्त करने का एक अलग जो है साधन है, तो आपके आसपास जो हो रहा है उसमें से आपके अंदर कोई एक बात आती होगी जो आपको कहने का दिल करता होगा, तभी तो आप आर्ट में आए, वरना आर्ट की ज़रूरत क्या थी? वरना तो आदमी आराम से चलिए। फ़र्क पड़ता होगा कुछ, है तभी आप कहने की बेचैनी, चाहे कवि हो, पेंटर हो। डेफिनेटली, मतलब अगर आप, जैसे मैं अगर एक्टर के तौर पे बात करूँ, मैं क्योंकि बाकी मैं लिखता नहीं हूँ उस तरह से और ये सब नहीं करता, पर अगर मैं एक्टर के तौर पे बात करूँ भाई, मुझे तो ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा ना, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा। मुझे आदमी के अंदर क्या घट रहा है, उसकी क्या परेशानियाँ होंगी, क्या दिक्कतें होंगी, जब आप पढ़ते भी हैं एक्टिंग के बारे में तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मैं महसूस कर पाऊँ कि भाई अभी सौरभ किस चीज़ से गुजर रहा होगा ज़ीशान जैसे आदमी का इंटरव्यू लेते हुए, पर ये चीज़ मुझे सोचनी पड़ेगी। तो अगर मैं जो हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि रास्ते में लोगों की हालत क्या हो रही है, जिस तरह से जो चल रहा है अभी देश में, आग लगी हुई है देश में जी, अगर मैं फ़र्क नहीं पड़ रहा तो भाई मैं तो मतलब ये भी बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक्टर होना तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप स्किलफुल काम करके, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके आप निकल जाते होंगे, पर कुछ फील हो रहा है आपको या आपको, आप किसी और का दर्द, एम्पथी सिंपथी, इनमें से कोई भी फैक्टर इसका मतलब आपके अंदर पनप नहीं रहा है, तो एज एन एक्टर आप कुछ कच्चा पक्का सा जो आपके पास माल है, जो आपकी ज़िंदगी जितनी आपने बिताई है उसमें आपने बटोरा होगा अपने आसपास के माहौल से, आप उसको कम्युनिकेट कर देंगे। आफ्टर वन पॉइंट आप फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप सैचुरेट हो जाएंगे, आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो जैसे कई अच्छे एक्टर बाहर के भी अगर आप देखें तो वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी एक आर्टिस्ट का और ख़ासतौर पर एक्टर का एक्टिविस्ट होना ज़रूरी है। चाहे एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी में दे दें, पर आपका एक, आपको एक समझना चाहिए कि भाई क्या घट रहा है, उसके बारे में आपका एक सवाल होना चाहिए, व्यू पॉइंट होना चाहिए और उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ, मतलब ये एक्टिंग वाला, फिल्म इंडस्ट्री वाला, आई थिंक, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो कहीं ना कहीं, कई लोगों से मेरी बात भी हुई, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा,
कोई मतलब नहीं है उसका। पर कई लोगों के मुझे ये वाले वो भी आया कि अरे यार तू तो जानता है भाई ये लोग क्या कर सकते हैं। तो एक डर का माहौल भी है डेफिनेटली, जिस वजह से लोग बोलने में डरते हैं कि अरे नहीं यार, फिर अटैक करने लगते हैं, पूरी ट्रोल आर्मी है, वो लोग आ जाएंगे, एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, आपके काम पे फ़र्क पड़ सकता है, आपकी फिल्म के रिलीज़ के बाद कई बार सिनेमा हॉल पे अटैक कर दिया जाता है, तो उससे एक फियर जाता है, तो आपकी फ़िल्म को लेके एक नेगेटिव पब्लिसिटी आती है, लोग अपने घर से नहीं निकलते, टाइप का एक डर भी है लोगों में। मतलब मैं ईमानदारी से ये भी बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क पड़ रहा है, पर वो बोलने में हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं, मतलब अगर सीधा शब्द इस्तेमाल करूँ। जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के लोगों ने कुछ फ़ोन पे सलाहें हिदायतें? हाँ, वो तो लगातार चल रही हैं। किस तरह की? यही कि भाई देखो, कुछ लोग बीच में रखते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोगों के लिए खड़े हो फलाने ढमकाने, पर थोड़ा संभाल के एक कदम पीछे रहो, ये हो जाएगा तुम्हारा करियर, तुम अभी बन रहा है, इस तरह से काम तुम्हें मिलना शुरू हो रहा है, लोग अलग तरह देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा इससे जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है, इसमें घुसो मत, बहुत नुकसान हो सकता है, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, ये तो आज हो रहा है, डेढ़ महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर तो तुम अपने आप अपनी ज़िंदगी पे हो, कैसे होगा। तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न भी है, पर कहीं ना कहीं वो फियर जो है वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है ना, मैं आपको दे दूँगा, आप किसी और को दे दोगे, तो इसी तरह से वही आसान तरीका होता है डर के ट्रैवल करने का, तो मेनली वही चल। इसी को अगर मैं इसी बातचीत का दूसरा सिरा पकड़ूँ कि एक क्या हम एक मैच्योर ऑडियंस क्यों नहीं बन पाए कि ये ज़ीशान हैं, ये इस व्यू पॉइंट के हैं, इनकी ये पॉलिटिक्स है, ये दूसरे एक्टर हैं, इनकी ये व्यू, और इनका क्राफ्ट ऐसा है। मतलब मैं अल पचिनो को देखूँ या रॉबर्ट डी नीरो, किसी को भी देखूँ, तो वो देखते वक्त मुझे ये थोड़ा ना होगा कि यार ये डेमोक्रेट है कि रिपब्लिकन है, या मैं ह्यू ग्रांट को देखूं या इद्रिस एल्बा को देखूं, अच्छा ये कंजर्वेटिव है कि लेबर का, मतलब अच्छी बात है वो आपका व्यू पॉइंट, क्योंकि वो आपके पर्दे के बाहर की शख्सियत। तो आपको लगता है कि हम ऑडियंस के लेवल पे भी वो मैच्योरिटी अभी बहुत बाकी है, क्योंकि डर तो सबसे ज़्यादा उसी का होता है ना फिर पब्लिक को, कि बायकॉट के। देखिए मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ना जितना मुझे लगता है ना सौरभ, कि ये ना इतना पब्लिक में है नहीं। मतलब जैसे अभी पीछे जो कुछ फिल्में आई हैं और जो अच्छा कमर्शियली भी किया है, मतलब अगर मैं अपनी एक फिल्म का एग्जांपल हूँ आर्टिकल 15 का, उसने कमर्शियली अच्छा पैसा कमाया है, ठीक है। अब वो जो है वो एक बड़े ही पुराने जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रही थी, मतलब आर्टिकल 15 आपको पता ही है, तो उसके पक्ष में बनाई गई है। पर आप ये देखिए ना, पहले से बिना बात के उसका ट्रेलर आते हुए लोगों ने अपने आप कुछ मान लिया, ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, तो दल थे, उन दलों ने मान लिया, उन दलों ने प्रदर्शन भी कर लिया, अपनी जान सब कर लिया। बात यह है कि आपने फिल्म तो देखी नहीं, अब जब फिल्म आई तो लोगों ने देखी और लोगों ने सराही, लोगों ने पसंद करी, लोग बार बार गए, लोगों ने उसको पैसा भी दिया, बल्कि ये बोला जाता है कि इस तरह की फिल्मों के हिसाब से तो वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। जनरली अगर आप सोशल इशू पे इस तरह से इतनी क्लीन फिल्म बनाते हो और वो भी सीरियस, तो इतना पैसा जनरली फिल्में नहीं कमाती, ये माना जाता है। पर आप देखिए कि वो पैसा खूब कमाया, तो मेरा मानना है लोगों में इतना ना है नहीं प्रॉब्लम, ये ना ट्रोल आर्मी का ज़्यादा काम चलता है अगर सोशल मीडिया पे देखें, और ये जो संस्थाएं हैं इनके अपने लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं उनको चलो इसी बहाने पैसा पहुंचता है, उन्हीं का काम है कि अब जाओ भैया आगे प्रदर्शन करो। आप आधे लोगों से पूछते हैं, आप ही लोगों के मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं सड़क में, उसे पता नहीं है आदमी को कि किस चीज़ पे बात हो रही है, किस चीज़ के लिए आए हैं आप एग्जैक्टली। और ये हमारे पिछले कई सालों से देश में वो रहा है, जिन लोगों को उठा के लाया जाता है उन लोगों को पैसे पे कई बार लाया जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मानना है ऑडियंस तो ग्रो कर रही है, ऑडियंस तो पहुंच रही है, प्रॉब्लम ये इन दलों की है, ये जो इस ऑडियंस को बिना बात के इफेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो इसलिए देखने नहीं जाएंगे फिल्म के ये आदमी जो है ऐसी सोच रखता है जो अभी की डोमिनेंट सोच से अलग है, इसलिए हम इसकी फिल्म नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता ऑडियंस का ये रवैया होता है। वैसे अभी मुझे भी जो गालियाँ पड़ रही हैं, तो जो आम आदमी कुछ नाराज़ भी है मुझसे, उन लोगों को मेरी एक्टिंग से और उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनका वो लोग मुझे बॉयकॉट की लिस्ट में नहीं डाल रहे हैं कि इन एक्ट्रेस की बॉयकॉट ऐसी लिस्ट बनने लगी है आजकल। जी जी, मैंने भी एक दो देखी है। हाँ, तो उसमें वो लोग नहीं रहा है उसमें, और कई लोग होंगी तो वो ऐसा वाला नहीं कर रहे हैं। बात ये, लेकिन वो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे सर आपको ना ये इसमें बोलना नहीं चाहिए, आप ये समझ बोलिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप इतने अच्छे एक्टर हैं, हम आपके फैन हैं, आप अपने काम पे। वो तो क्या एक्टर कॉम्प्लेक्स इश्यूज नहीं समझ सकता?
इनको या नहीं बोल सकते? हाँ, इनको ये लगता है कि एक्टर, सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि एक्टर जो है सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। उनको सबसे पहली जो मुझे हर बार, ये मैं शुरुआत से जब से मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ सोशल मीडिया पे, मैं यही जवाब मेन देता रहता हूँ कि यार सबसे पहले तो इस देश में पैदा हुआ था ना, सबसे पहले तो मेरी यहाँ की जिम्मेदारी है, मेरी यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाद में तय किया, वो तो बहुत रिसेंट बात है, अभी 9-10 साल पहले ही मैं फिल्म वगैरह में पहुँचा है, और मतलब बहुत रिसेंट है, पर उम्र तो ज़्यादातर उम्र तो हमने इस देश में यहाँ का नागरिक रहते हुए बताई है, यहाँ से फ़ायदे उठाए हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ नुकसान भी रहे होंगे पर वो तो पार्ट एंड पार्सल है। तो अब बात यह है कि ये बात समझना ना, ये सबको ना कंपार्टमेंटलाइज कर देना, सबको अलग अलग डब्बों में बंद कर देना का आइडिया है जो ये लोग अभी करने पे लगे हुए हैं कि भाई अच्छा आपका ये काम है, आप इस पर नहीं बोल सकते। अब आप जो हैं, आप ये न्यूज़ का वो चलाते हैं, तो आपका अगर खाने का प्रोग्राम होता नहीं होता मुझे पता नहीं, पर अगर आप फिर खाने पर नहीं बोल सकते, आप जो हैं फिर आपको अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो आप फिर कहीं कपड़ों के बारे में कोई बात हो रही है तो उसके बारे में बोलने का आपका अधिकार नहीं है। ये एक ना कि आपका अधिकार सिर्फ जिस चीज़ में कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया, सिर्फ उसमें आपका अधिकार है बोलने का, आई थिंक ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा ज़ीशान, आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं समर्थन में, उनको पता नहीं है, एक क्रिटिक जो CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं उसका भी ये क्रिटिक है, कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं आज़ाद मैदान के हैं, कुछ एक्टर्स से बातचीत है कि साहब देखिए ये लोग भी जो आ रहे हैं इनको भी नहीं पता ये किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो कि इनको मोदी का विरोध करना है इसलिए आ रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए अब ये वाले लोग जो हैं, ये मैं इनसे बस इतना ही बोलूँगा कि एक तो ये गलत है, मतलब मैंने ऐसी मैं देखा नहीं है ये वाला, पर अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। मेरी भी जितने लोगों से बात हुई, मेरा मानना है सबसे पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो है इस पॉइंट के बारे में लोगों को एजुकेट करना। और जो मैं तो बार बार अपील भी कर रहा हूँ, कई जगह पर बोल चुका हूँ कि भाई सिवाय सिर्फ ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक का इस्तेमाल मत करो इंटरनेट के लिए, नेट पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतनी चीज़ें हैं जिससे आप आराम से समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो अगर कोई आदमी सिर्फ इस एजेंडा से कि अच्छा ये मुझे मोदी के ख़िलाफ़ वो करना है, प्रोटेस्ट करना है, इस वजह से मैं आके खड़ा हो जा रहा हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो यानी आप भी अभी आप यहाँ खड़े हैं, पर अगली बार अगर पार्टी बदलती है तो आप तब आप उधर के एक्सट्रीमिस्ट होंगे। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना है। ये एज अ सिटीज़न मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है मेरे राइट्स होते हैं और मैं उसको इन्जॉय करता जाऊँ। मुझे ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि भाई लाल बत्ती कूदने पे चालान कटता है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि लाल बत्ती कूदने पे चालान कटता है। जितनी ही छोटी बात है उतनी ही बड़ी बात पे भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई CAB क्या था, फिर वो CAA हो गया, एक्ट कब बना वो, फिर वो आपका NPR अब बना दिया है उसे, NRC, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका कुछ होगा नहीं। अब वो किस तरह से पैटर्न पे चल रहा है, कितनी जगह पे क्या बोला गया है, वो आप बोल रहे हैं सिटीजन देने का एक्ट है, ठीक है, CAA जो एक उसका मेन वो आ रहा है, पर बात ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप अकेले खड़ी नहीं होती, आपको ये समझना पड़ेगा। कि मुझे कई लोगों के फ़ोन पे आया कि यार ज़ीशान भाई ये तो उसमें तो कुछ ऐसी बात ही नहीं आ रही। मैंने कहा देखो एक तो उसमें भी बात आ रही है क्योंकि मुझे जैसी एक्सेप्ट मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ गजट में आ चुका है, उसमें इन्होंने लिखा है सरकार ने और अब कानून है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 हैं, इनको देंगे, कहीं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शब्द नहीं है उसमें जो एक्ट पारित हुआ है। तो इसके पक्ष में 2 किस्म की दलीलें आ रही हैं। सरकार की तरफ से दलील ये है जो गृहमंत्री अमित शाह दे रहे हैं कि देश के मुस्लिमों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है, ये तो कुछ और लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। और जो सरकार के समर्थक हैं उनकी दलील ये आ रही क्योंकि उनको बहुत ही, नॉट दैट कि सरकार के सब लोग बहुत ही दायरे में बात करते हैं, पर समर्थकों को तो सोशल मीडिया पर खुला होता है किसी भी पक्ष के हों, वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि हिंदू कहाँ जाए, हिंदू का तो एक ही राष्ट्र है, मुसलमानों के तो वो एक संख्या लेके आते हैं, कोई बोलता है 18, कोई बोलता है 150, ऐसे राष्ट्र हैं। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके तर्क पेश करने लगते हैं कि देखिए ये तो जहाँ ज़्यादा हैं
ये बर्बाद कैसे हुआ? तो वो जो अदरिंग जिसकी बात आर्टिकल 15 में दलितों के लिए होती थी, वो अदरिंग, वो लोग यहाँ पे मुस्लिम हो गए हैं। तो जो सरकार का तर्क है उस पर ज़ीशान को क्या लगता है? ये CAA पे बात कर रहा हूँ भाई। देखिए, एक तो सबसे पहले हमें मतलब उसकी शुरुआत जहाँ से होती है जी, इस पॉइंट पे आने की, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी जी, जो मैंने सुना कि हमारा जो प्रियम्बल है, मैं अभी भी बिल्कुल बेसिक तौर पे, हम लास्ट में जब बैठे हुए थे तो हमारी कोई बात हुई थी कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं संविधान जो है हमारा वो सही से लागू होना चाहिए देश में। आप जैसे ही उसे रिलीजन के बेस पे, अगर मैं अभी NRC और वो हटा भी दूँ, NPR को मैं हटा भी दूँ, अगर सिर्फ CAA की बात करूँ, एक्सेप्ट मुस्लिम्स आते ही आपका एक वो है कि आप सेक्युलर फैब्रिक जो है देश का, आप उसे करप्ट करना शुरू कर देते हैं वहीं से। आपका जो बेसिक आइडिया ऑफ नेशन था इंडिया का, मतलब जब आज़ाद होने के बाद इवन इंडिया इतना ओपन था कि उन्होंने जो लोग चले गए थे पाकिस्तान, उनको वापस आने का भी मौका मिला था कि एक देश बनाएंगे जो एक सेक्युलर देश होगा, जिसमें सब मिलजुल के रहेंगे, जिसमें जो साझा जिंदगी एक, और पाकिस्तान की जो थ्योरी है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें, ये साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग पाकिस्तान चाहिए, उस थ्योरी को गलत साबित करना है। और इसी थ्योरी को आज की डेट में आप जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं, जिस तरह से अगर आप ये लेके आ रहे हैं, आपने जिस बेसिस पे जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था उनका क्या हाल हुआ है वो तो सबके सामने जाहिर है, उस पर तो बात करने की जरूरत है, फेल्ड स्टेट कम्प्लीटली। आप जिन देशों की बात करते हैं, आप जो एग्जाम्पल लेके आते हैं कि अरे वहाँ पर भी तो ये हो रहा है, वहाँ पर ये होता है, इस्लामिक देशों के बारे में जब बात करते हैं, किसने तरक्की कर ली? तेल का पैसा जिनके पास है उस बात को आप हटा दीजिए। जहाँ पे भी, जिस भी देश पे आप रिलीजन को मेन मुद्दा बनाते हैं, आप जैसे सेक्युलरिज्म से भटकते हैं, प्रोग्रेसिव आइडिया से भटकते हैं, तो आपने गालियाँ बना दी हैं सेक्युलर को और लिबरल्स को और इन सब चीज़ों को। पर बात यह है, सारे दुनिया में वही देश तरक्की करे हैं जो लोग ओपन सोसाइटी लेके चले हैं, जो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, ना कि लोगों को अलग करने की बात करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो आपके इस वर्ड से शुरू होता है कि आपने तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया है। तो संविधान के किसी एक्ट में आपका आर्टिकल 14 जो है, उस आर्टिकल 14 की पर क्या रिस्पेक्ट रह जाती है जब आप अलग ना करने का? ये आर्टिकल 15 आपके सिर्फ, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये आपका सिर्फ एक एक्ट पे नहीं जाता है, आप उस आपके बाकी जितने राइट्स हैं, जितने इक्वालिटी की बात हुई है, सब लोग बराबर रहेंगे, आप वहाँ पे वो छीनना शुरू कर देते हैं लोगों से। फिर अब इसके साथ ही, लेकिन हमें जो दूसरा देखने की ज़रूरत है वो है NRC, जब आप साथ में लेके आ रहे हैं NRC के तहत। और प्रॉब्लम यही है कि ये CAA, जैसे मैंने वही बोला कि ये सेक्युलर फैब्रिक को ख़राब करता है, इनके वर्ड से बेसिक तौर पर। उसके बाद बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये इसको इशू बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, बार बार इसको ये यही बना दे रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्सेप्ट मुस्लिम आ जाता है, ये एक्सक्लूडिंग मुस्लिम, मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं मुझे, वो आप लेके आते हैं तो आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम इशू बना के इसको हम वो कर लेंगे, क्योंकि बड़ा आसान है, ये वाली रोटी सेकना तो हमारे देश में कब से सीखी जा रही है और ये हमेशा सीखती है हिंदू मुसलमान। पॉइंट ये है, इससे हमारे देश के हर आदमी को प्रॉब्लम होगी। ये जो देने का हक है, अगर आप उसकी डिटेल्स पे जाएं, जो मेरी कुछ वकीलों से बात हुई, तो ये आपको अगर मिला NRC के बाद, अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, सिटीजनशिप की बात हो रही है, मैं दोबारा आपको डी दिलवा सकता हूँ, ये जो NPR में ये डी देंगे, मैं आपको दोबारा दिलवा सकता हूँ कि भाई ये जो है डाउटफुल वोटर है, मैं आपके अगेंस्ट वो डाल सकता हूँ। अब ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में अनलिमिटेड पावर ये आ जा रही है कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा आपको। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप सौरभ नाम है आपका, अब मान लीजिए आपका नाम आ गया NRC में, अब आप गए, आपने आके वो करा, आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए किसी कारणवश, कुछ हुआ आपका, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बाढ़ में चले गए, जो देश के गरीबों की हालत होगी अभी। अब बात यह है कि भाई, अब आपको पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप या तो पाकिस्तान से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या अफगानिस्तान से हैं, तभी तो आपको ये सहूलियत है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, बाकी सारे उनका थोड़ी बोला है उन्होंने। तो पहले आपको भी ये साबित करना पड़ेगा। अब बात ये, कितना बड़ा नंबर हिंदुस्तान का जो है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स तो बड़ी प्रिविलेज्ड चीज़ है रखने वाली, हमारे नहीं, हमें ध्यान रहते जबकि हम सेफ होते हैं हमारे पास, कि उसके अंदर जाके डाल दो, बैंक में डाल दो, ये पुराना पेपर था, कागजात ज़मीन का, इसका आपके देश की, आपने नेचुरल कैलमिटीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया है, लोगों की प्रॉपर्टियाँ हर 2 साल में पूरी की पूरी ज़ाया हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, से लेके आप लोग मेंटेन ही नहीं करते, लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, आपके यहाँ कई बार दंगे हुए हैं, कई बार प्रॉब्लम्स हुई हैं, लोग एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जाते हैं, आप किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं? आप किस बेसिस पे अपने लोगों को, आप ये बेसिकली सुप्रीम पावर अपने हाथ में ले रहे हैं कि
मेरे जिसको मर्जी आएगी मैं बोलूंगा कि वो यहाँ का नागरिक है, मैं दे दूंगा आपको नागरिकता, मेरा अगर दिल करेगा तो मैं आपको डिटेंशन कैंप में डाल दूंगा, और बाहर तो कोई जा ही नहीं पाएगा क्योंकि भाई क्यों लेंगे ये लोग यहाँ से लोगों को, तीनों देश आपने बोल तो दिया, अब मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ के हैं, मेरा तो बाप दादा पुरखे सारे जो है वो हिंदुस्तान के थे, अब अगर मेरा नाम आप ले आते हैं मुझे क्यों कोई और देश लेगा, मतलब मैं जाऊँगा भी नहीं वो अलग बात है। तो आपके अंदर ही अंदर इतने लूप होल्स हैं इसमें, आप उसे बोल बोल के नहीं, मोटे तौर पे तो नागरिकता देने का कानून है, पर भाई नागरिकता देने के उसमें क्या, ये वही वाली चीज़ है ना साहब, कि अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो दलितों को रिजर्वेशन क्यों चाहिए, इक्वालिटी वो इतना फ्लैट पकड़ लिया आपने, बात यह है ना इक्विटी इक्वालिटी में फ़र्क है ना, आपने इतने साल से जो परेशानियाँ हुई हैं वो देना पड़ता है ना, आपको देना ज़रूरी है ना, क्यों नहीं देंगे आप। ये इसी तरह से ना शब्दों में बसा के जो वकीलों वाला काम जो बोला जाता है ना कोर्ट में करते हैं वकील, ये वो वाला काम जो है जनता के साथ कर रहा है, किसी में तो कोई दिक्कत नहीं, सीए में साहब हज़ारों दिक्कतें हैं, मतलब आपको तो पता ही होगा, मैंने आपसे आपको तो मैं क्या ही बताऊँ, गूगल पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, कितना आसान है आज की डेट में अगर एक्चुअली देखो इन्फॉर्मेशन लेना, पर हमारे लोग वो लेने को तैयार नहीं है, एक आदमी ने कुछ बोल दिया, और इसमें कहीं ना कहीं परेशानी है, ये आपको वहाँ से भी समझ में आता है कि प्रधानमंत्री साहब की एक उससे पहले होम मिनिस्टर को एक बात बोल रहे हैं, और उसके दो दिन बाद मेरे ख्याल से दो दिन का फर्क था, तीन दिन का फर्क था, तीन दिन बाद जो है वो आके प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, क्या बात, झूठ 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 बोले कि साहब हो ही नहीं पा रहा। मैं तो उसके बाद ऐसा था कि कुछ सपना सा देख लिया, मैंने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी कुछ कोई रिहर्सल स्पीच या कुछ ऐसी थी कि अगर ऐसा कुछ करना होता ये थोड़ी बोल देगा कोई आदमी आके सामने, पर साहब बोल दिया। तो अब यहाँ से आपको प्रत्यक्ष समझ में आता है कि यानी कि बाबूजी कुछ तो बहुत भारी झोल हो रहा है, मतलब जिन लोगों को चाहे पढ़ के ना समझ में आया हो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि क्यों एक आदमी जो है इतना क्लियरली दो लोग होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की दो दिन की बात के बीच में, और क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया इसी वजह से वो बोला गया कि ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है, आप क्या कर रहे हो। तो अमित शाह तो बोले आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, कब से बोल रहे हैं वो ज़ीशान, सीए और एनआरसी को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका एक बड़ा क्रिटिक है, और उसमें उस क्रिटिक में काफ़ी दम भी है, मतलब उसके और आगे जो हुआ उस पर भी बात करेंगे। कई जगह भीड़ हिंसक हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की हिंसा से जो आंदोलन का कॉज है या जो लोग बहुत ही संवैधानिक दायरे में रचनात्मक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पूरा मेलाइन होता है? डेफिनेटली, मतलब मेरा तो जहाँ मौका लग रहा है मैं वहाँ जाके यही बात बोल रहा हूँ कि यही तो वो चाहते हैं, मतलब ये आपके भी मित्र हैं गौरव सोलंकी, आर्टिकल 15 में मेरी ही लाइन थी वो, कि वो मेरे कैरेक्टर की लाइन थी, निषाद बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, तो उस गुस्से को हथियार बनाइएगा, लेकिन इस हथियार के अलावा और कोई हथियार बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंसक हुए तो इन लोगों के लिए हमें मारना और आसान हो जाएगा। आप जैसे ही वायलेंस में उतरेंगे ये तो वो चाहते ही हैं, और आप ही तो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो लोग पीसफुली खड़े हैं इसके अगेंस्ट आप बेसिकली आप इसको एक लेवल पर डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं, आप पूरे मूवमेंट को पूरी बातचीत को आप उनके दी हुई दलीलों को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वायलेंस तो किसी भी रूप में गलत है, मतलब ये वही वाली बात है कि जब जैसे हम अभी हमने वो प्रेस रिलीज एक दिया था स्वरा थी मैं था तो काफ़ी सारे लोगों के वीडियो आए थे उसमें, हम उसमें वो बोल रहे थे कि भाई पुलिस की अट्रॉसिटी है उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, जो वीडियोज बाहर आ रहे हैं पुलिस जो कर रही है वहाँ पर, अगर हम बोल रहे हैं कि वायलेंस गलत है, वायलेंस तो हर आदमी के लिए गलत है ना भाई, तो जो आदमी प्रोटेस्टर के रूप में आके वायलेंस कर रहा है उस आदमी को पकड़ा जाना चाहिए, जो हमारा कानून है, हम तो भाई संविधान को रखने की बात कर रहे हैं ना, जो कानून है उसके हिसाब से उसे पकड़ो भाई, उसे जेल में डालो, उसे जो भी कार्रवाई होती है कोर्ट में ले जाके जो उसकी सज़ा होती है आप वो सज़ा उसको पूरी तरह से मिलनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। बट उसका फिर दूसरा पक्ष वाला आ जाता है कि भाई इस चीज़ पे जिस तरह से रिएक्शन आया खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह तो नहीं बोलूंगा फिर भी, पर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिस तरह का रिएक्शन आया तो आप बोलते हैं कि भाई कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हैं और बुरी तरह से ब्रेक कर रहे हैं। तो वायलेंस जो है ना वो हमारी सोसाइटी में ना यार सर वो भी है, ये ना डाला गया है ना, हमें फीड किया गया है बचपन से, कितने सालों से ना हमें वायलेंस में ना बहुत मज़ा आता है, हमें ना सड़क पे हिसाब कर दिया ताबड़तोड़
ताबड़तोब हिसाब कर देंगे, सड़क के सड़क पर निपटा दिया भाई। हाँ, खासतौर पर आरक्षण वाले जो आंदोलन हुए हैं, जाट गुजर आंदोलन जो भी आरक्षण को लेके हुए हैं, उसमें हमने ये बहुत देखा। या SC ST एक्ट के का जब वो एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी आई, तो फिर जो दलित समुदाय ने किया उसमें भी हिंसा, फिर उसके अगेंस्ट में हटाने के उसमें भी हिंसा। तो हिंसा और हिंसा में हमें मज़ा भी बहुत आता है, मतलब हमें बड़ी खुशी होती है। आप देखिए अभी भी जिस तरह का रिएक्शन है ना, हमें ना वो दूर हो रहा होता है ना, वो वाली बात ना, सड़क पर अगर आपने देखा होगा, आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अगर दो लोग एक दूसरे को मार रहे हों तो कितनी भीड़ जमा हो जाती है, बचाते थोड़ी है, उन्हें मज़ा आता है। ये हमें ना हमारे अंदर की जो सारी प्रॉब्लम्स थी ना, हमारे आसपास की फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी की, अनएम्प्लॉयमेंट से, पैसा कम होने से, ज़िंदगी में जो हमें सहूलियतें नहीं मिल रही जो सरकार को हमें देनी चाहिए, वो सारी ना फ्रस्ट्रेशन ना हमें अग्रेशन में, वो अल्फा मेल वाला जो अभी हम मेल युगो वाली भी बात कर रहे थे ना, वो इतनी हमारे अंदर डाली गई है ना, उसी मैस्कुलिनिटी का तो नतीजा है ये जो वायलेंस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मैं वही बोलता हूँ कि पुलिस को अलग उठा के रखने का ना कोई मतलब नहीं, वो किसी और प्लैनेट से नहीं आते, किसी समाज से आते हैं। तो वायलेंस की एक स्ट्रीक आपने इतने सालों से हम लोगों के अंदर भरी है, और आप एजुकेशन से आपको इसलिए दिक्कत है क्योंकि एजुकेट होने के बाद आदमी समझ जाता है कि भाई ये तो मेरे मतलब उल्टी ही जाएगी अगर मैं वायलेंस का सहारा लेता हूँ, वायलेंस से कोई चीज़ सॉल्व होती नहीं है। तो आदमी जो है थोड़ा सवाल करके फिर अपने आप को संभाल लेता है। इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, आपको चाहिए कि लोग ऐसे हों जो सेलिब्रेट करें किसी की मौत। हमारे मौत सेलिब्रेट करने का भी एक वो है ना, शहादत नहीं, हमें मौत सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। हाँ, इस आदमी को मार दिया गया, इस आदमी को चौराहे पे फांसी दे दो, इस आदमी का गला लोगों के पत्थर पड़ मार मार के इस आदमी की जान ले लेनी चाहिए, हमें इसमें मज़ा आता है ना। और इस नैरेटिव को बार 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 बार, चाहे हमारे मीडिया चैनल्स हो, ज़्यादातर मीडिया चैनल्स कितना सपोर्ट करते हैं इस अग्रेशन को, जो हम वॉर को बेचते हैं, जो एक ये आइडिया ना, जैसे वॉर के उस पर मुझे एक बात याद आई, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं, एक बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक एपोकलिप्स नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें उन्होंने लाइन में लगा के क्रोनोलॉजिकली उसको लगाया है और उसके ऊपर एक नैरेटिव रखा है उन्होंने। तो फर्स्ट और सेकेंड मैंने दोनों देख रहा था। फर्स्ट वाले में ना वो आता है फ्रांस के किसी रेलवे स्टेशन का की शूटिंग है, कि जब वॉर पे लोग निकल रहे हैं। अब इन लोगों ने भी ना वॉर असल में फिल्मों में देखी थी, मतलब फिल्मों में, नाटक में, किताबों में पढ़ा था उसके बारे में, वॉर क्या होती है, वॉर क्या होती है। तो एक ग्लोरीफाइड आइडिया होता है ना वो, ऑफ मेल मैस्कुलिनिटी, तो वो उन्होंने ग्लोरीफाइड आइडिया देखा था और उसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, औरतें खड़ी हैं, वो फूल फेंक रही हैं उनके ऊपर जाती हुई ट्रेन में, एंड देर इज़ अ मतलब कमाल का एक जश्न का माहौल है। और लोग गए और जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहली बार उस देश ने उस तरह से फेस करी, उस जनरेशन ने, उस देश ने तो कई बार लड़ाइयाँ देखी थी, उन्होंने फेस किया उस जनरेशन ने। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जाते हैं तो वो सेम जनरेशन ही थोड़ी बड़ी हो गई थी, और अभी जो भी वो शूट करने वाला आदमी होगा, रिपोर्टर होगा, उसने सेम जगहों से, सेम एंगल से वो शूट किया हुआ है। और अब की बार जब वो जा रहे हैं, नाउ दे नो कि वॉर कितनी ख़राब चीज़ होती है, कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है हर पक्ष के लिए। तो ये जो हमें बेचा जाता है ना, ये मैस्कुलिनिटी का आइडिया, ये डेंजरस है। इसी की वजह से हम इस परिस्थिति में आते हैं जब हर आदमी एक दूसरे को नोच खाने के लिए उतावला हुआ हुआ है, और अभी भी उसका आप देखें तो सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन ही चल रहा है। ये बताइए ज़ीशान कि एक शब्द है जो सोशल मीडिया के दौर में खूब इस्तेमाल होता है, सेकुलरिज्म, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? क्योंकि इसको एक बड़ी जमात ने अब गाली की तरह बना दिया है, और सेकुलरिज्म को अब मुस्लिम अपीजमेंट, पहले वो वर्ड था मुस्लिम अपीजमेंट, अब सेकुलरिज्म, उसके इक्विवेलेंट बना दिया है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या भाजपा के अभ्युदय से पहले देश के मुस्लिमों की स्थिति खराब थी और बीजेपी के आने भर से ठीक थी और बीजेपी के आने भर से ही खराब हो गई है? बिल्कुल नहीं, मतलब फ्लॉ कहाँ है उस डिबेट में पूरी? देखिए मतलब वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल आपने पूछ लिया है, पर मैं अगर पहले दूसरे वाले पार्ट का मैं जवाब देता हूँ आपको कि पहले क्या ख़राब नहीं थी, बिल्कुल थी। और इसके लिए ना डायरेक्टली देखिए, बात एक हमें वो भी समझनी पड़ेगी कि इसके लिए डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से दोषी भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी भी तो दिक्कत है ना। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं ओखला से आता हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाई में आपका दिल ही नहीं है, आपका टारगेट ही नहीं लाइफ में कि एजुकेट हो जाएं और कुछ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ करें, तो वो भी प्रॉब्लम है हर समाज में,
मतलब जैसे वो फाइनेंशियली आप थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं तो आपका पहला वो बस पैसा कमाने का वो होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर, एजुकेशन होनी चाहिए थी, ऐसे लोग होने चाहिए थे जो अंदर जाके बात करते, अपनी जो कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं वो कम्युनिटी के लिए काम करते, जो एरिया, बट चलिए ठीक है, अभी एजुकेशन के उसमें नहीं घुसते हम कि नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक जो एक चीज़ हुई है ना बीजेपी के आने से जो ज़्यादा ज़्यादा ख़तरनाक हुई है, पोलराइजेशन ना बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एक बात तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम कोई बड़े सच में सेक्युलर थे। जो 2014 का जो मुझे सबसे अनफॉर्चुनेट पॉइंट लगता है, या कहीं ना कहीं लगता है शायद फॉर्चुनेट भी, 2014 से 2016 के बीच में ना कई दोस्त और रिश्तेदार छूट गए। आपको रियलाइज हुआ कि ओ ये तो बोलता था कि ये आदमी सेक्युलर है, इसको दिक्कत नहीं है किसी दूसरे धर्म के आदमी से, पर अंदर कहीं ना कहीं तो थी। अभी जैसे मौका मिल रहा है तो ये आदमी फौरन अपना वाला रंग दिखा रहा है, और दोनों तरफ की पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के उसमें। तो ये कहीं ना कहीं तो यानी था ही ऐसा, तो कट्टरपंथी था, अब सामने आ रहा है, पर हमने ढक रखा था। मतलब ऐसा वाला है कि भाई चलो घर में ऐसा करेंगे कि अगर कोई मान लीजिए दूसरा आदमी आया और हम उसके सेम खाना सेम प्लेट में खाने की दिक्कत है, तो कम से कम मेरा मानना है पहले ऐसा था कि सामने अलग प्लेट ला के नहीं रखी जाती थी। अब शायद सामने आदमी अलग प्लेट भी रख देगा, और बल्कि ये भी हो सकता है बोल दे दरवाजे से ही लौट जाओ। अभी यहाँ तक की जो ये बेबाकता जो आ गई है ना आपका कट्टरपंथी होने में, ये पिछले हल्की और धर्मांध बात कहने में अब किसी को झिझक नहीं है, शर्म नहीं है, बहुत ही बेशर्मी और बदतमीजी के साथ लोग अपने पूर्वाग्रह को रखते हैं सामने वाले को, और जिनका आधार व्हाट्सएप ज्ञान है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, मतलब इंटरनेट तबाही। तो अब जैसे वो आप जो बात कर रहे थे बेस, अगर मैं बिल्कुल ही मोटे तौर पे बोलूं भाई सेक्युलर, भाई जो है सौहार्दता से हम आप मैं ये हम जितने लोग हैं सब आराम से रह रहे हैं। अब ये जो आपने मुस्लिम अपीजमेंट को वहाँ लेके आना, मैं ये नहीं बोलूँगा मुस्लिम अपीजमेंट नहीं हुई, हुई है वक्त वक्त पर हुई है, पोलिटिकल पार्टीज ने अपने इस्तेमाल के लिए वोट बैंक बनाने के लिए करा है। अब हमारी ना अडेप्टबिलिटी, ह्यूमन अडेप्टबिलिटी जो है ना, वो सबसे ख़तरनाक और सबसे अच्छी चीज़ होती है, मेरा मानना है ख़तरनाक होती है। ये बात मुझे पिछले 5-6 साल में समझ में आई। हम ना धीरे धीरे ना अपने वर्ड से ना थोड़ा थोड़ा दूर आते जाते हैं, अपने बेसिक मॉरल लाइन जो है ना उससे हम धीरे धीरे सरकते जाते हैं, और जहाँ पे हम आगे खड़े होते हैं वहीं नीचे खींच के मॉरल लाइन बना लेते हैं हम, फिर एक स्टेप राइट में लेंगे फिर मॉरल लाइन बना लेंगे, फिर राइट में लेंगे फिर मॉरल लाइन बना लेंगे। तो ये होता गया है। तो जो चीज़ के भाई एक इस कम्युनिटी को या इस कास्ट को या इस तबके को खुश करने के लिए बिना बात के बाकी लोगों से को परेशान करते हुए कुछ कर दिया गया, जो आइडियली एक सेक्युलर देश में नहीं होना चाहिए था, टाइप की कोई चीज़ आती है। जैसे शाहबानो केस अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ, जो एक बड़ा ऐतिहासिक हो जाता है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी पावरफुल होना शुरू होती है, वो बात हमें समझनी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, तो अब वो मुस्लिम अपीजमेंट से ना, एक आदमी अगर ये भी बोल रहा है ना यार कोई बात नहीं सब साथ में रह लो, आदमी बोल रहा बस ये तो जो है मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, या फिर ये तो जो है सेक्युलर हो गया है। तो सेक्युलरिज्म को दूसरों को अपीज करने की जगह पे ले जाना जो है ये करप्शन लाया गया है। जैसे मैं अगर वैसे क्रोनोलॉजी में बोलूँ तो मतलब फनी है कि एक पॉइंट पे भाई बोला जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी मॉडरेट हैं, अडवाणी जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, 92-93 वाला जो समय था। फिर आप देखिए तो 2002 के आसपास बोला जाता कि नहीं नहीं अडवाणी जो हैं वो मॉडरेट हैं, मोदी जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट आए हैं। फिर जब आप 2013-14 के टाइम पे आते हैं तो सडनली मोदी जो हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं और योगी जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। अब आज के टाइम पे जिस तरह से सपोर्ट उबल के आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मेरा मानना है कि और साल भर में मैक्सिमम या 2 साल में योगी वो हो जाएंगे, हो सकता है फिर प्रज्ञा, जैसे अभी प्रज्ञा जी अभी भी थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट मान रहे हैं लोग, वो उनको भी लेके आ जाएंगे। तो हमारा ये जो हम अडेप्ट करते जा रहे हैं ना, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा विदाउट रियलाइजिंग कि हमारा समाज कहाँ से ख़राब तौर पे कैसे ट्रैवल करता जा रहा है, ये ख़तरनाक है। तो ये मुस्लिम अपीजमेंट से कहाँ, कब हम सेक्युलर वर्ड को हमने मुस्लिम अपीजमेंट में डाल दिया या हमने उस तरफ डाल दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे उसको बताता है कि हम कितना बदल गए। और पिछले 6 साल में तो इतना फास्ट हुआ है। मैं अभी किसी से बोल रहा था कि भाई हम तो एक्टर हैं, हमें तो ये सब काम करते रहने पड़ते हैं, पर ये कोई भी आदमी कर सकता है कि एक बार ना गहरी सांस लेके अकेले में मेडिटेट करने टाइप बैठो आदमी और
2013 में एक बार अपने आप को ना इमेजिन करो, जबकि ऐसा नहीं है कोई देश बहुत कमाल हालत में था, थी परेशानियाँ बहुत सारी थी, और आप 2013 में याद करिए कि भाई अच्छा कैसे समाज था, किससे क्या बात होती थी, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, अच्छा हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लोग ऐसे बोलते थे ये करते थे, और फौरन अभी के समय में आँख खोली है। दिल का दौरा पड़ सकता है कि हमने 6 साल में हम कितना कंफर्टेबल होते चले गए, कितनी ईविल चीज़ों को लेके, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों की जान से, लोगों के माल से, हमें मज़ा आ रहा है कि अरे ये आदमी क्या पिटा था यार, इस आदमी के घर पे आग लगा दी, बहुत सही किया है, बदला लिया, हम इतने इनह्यूमन होते जा रहे हैं, हमें ना वो एक वो होता ना, देश अभी उससे गुजर रहा है, कई बार नहीं होता चोट लगने पर खुरंट आ जाता है, वो मीठा दर्द होता है, आप उसको खुजाते रहते हो, दर्द भी हो रहा होता है पर वो आपको अच्छा लग रहा होता है, अभी ना देश ना वहाँ पहुँच गया है, हम ना खुजाए ही चले जा रहे हैं, हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा हम कितना खून और निकाले जा रहे हैं अपने अंदर से, पर हम लोगों को ना मज़ा आ रहा है अभी इसको रगड़ने में और इसको और ज़्यादा दर्दनाक बनाने में, तो है मतलब बहुत ख़तरनाक वक्त हम लोग पहुँच गए हैं। ज़ीशान, कई लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं कर पाया, वो कहते हैं कि अच्छा देखिए अब मोदी जी ने गरीबों के लिए मकान बनाए, जो मोदी भी अपनी रैलियों में कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क थोड़ी नहीं किया, और इस तरह कई उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ये कलेक्टिव गुस्सा है कि वो मोदी को नहीं रोक पाए तो अब वो CAA के बहाने सड़कों पर उतर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, आपको लगता है ये कलेक्टिव गुस्सा है? देखिए मैं ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो बिल्कुल मैं सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज यूज़ करूं। एक तो मैं अगर सिंपल उसमें बोलूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये कलेक्टिव गुस्सा है डेफिनेटली, पर ये जो है ये सिर्फ मुस्लिम्स का गुस्सा नहीं है, अभी ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट्स ने शुरुआत करी और हर आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, हर तबके का आदमी मैंने देखा है इसमें, हर धर्म का आदमी मैंने देखा है इसमें, तो ये उनका कोई गुस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये समझना ज़रूरी है, मतलब जो मेरा मानना है कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये गुस्सा ना जिस तरह से चीज़ों का मिसयूज़ होता गया, अब बात वो है कि उसको बोलने में कोई आदमी शर्मा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहलू खान वर्डिक्ट है उसने कहीं ना कहीं मेरा मानना है हमारे देश के हर एक समझदार आदमी को कहीं तो हिलाया था, जब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं जिन लोगों के वीडियोस बने हुए हैं कि नहीं नहीं ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं, तो भाई बरी कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं FIR में किसी और के नाम, किसी असल में कोई और व्यक्ति, तो वो जो पूरी धांधली हुई थी ना, तो वहां पे ना एक सन्नाटा आया था कि यार इतना कैसे इतना क्लियर सामने हो जाएगा, इतना ब्रेजन एक्ट है। और एक बड़ी अच्छी लाइन अभी किसी ने बोली थी कि भाई अगर सिर्फ ये मुसलमानों को ही उतरना होता और अपने धर्म पे बात आ गई है फलाना ढिमकाना, तो ये तब उतरते जिस पे पिछले 20 साल से 30 साल से हमारा देश जो है वो जल रहा है, 27-28 साल से बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे, जब वो वर्डिक्ट आया तब अगर सड़क पे लोग आके ये जो है दंगे हो रहे होते और सारी जो बातें कर रहे हैं आप, तब मैं बोलता कि हाँ शायद ना किसी के धार्मिक भावना को पूरी तरह ठेस पहुंची है। अभी आपने ना बेसिक ना जीने की ये वाली गलती कर दी है मेरे हिसाब से इन्होंने ना बेसिक रोटी छीन ली। अभी तक ना आप बोलते हैं ना कि एक आदमी को आप एक रोटी देते रहो दिन की, वो कभी रिवोल्ट नहीं करेगा, कभी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदा है, उसको रोटी मिल जा रही है दिन की एक, चाहे उसकी एपेटाइट 4 रोटी की है, पर आप उसको एक देते रहो तो वो जिंदा रहेगा, पर कमज़ोर होता रहेगा और रहेगा। बात यह है कि अगर आपको क्रांति करवानी है तो आप ये रोटी छीन लो उससे, आप जब ये रोटी छीनोगे तो वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी जो है अब ख़त्म हो जाएगी अगर वो अभी खड़ा नहीं हुआ तो। ये आपने इस तरह से ना देश के लोग सभी बर्दाश्त कर रहे थे, इट इज़ नॉट जस्ट मुस्लिम्स, आई थिंक वो बन रहा है ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है, पर आई थिंक हर आदमी इस बात से कहीं ना कहीं अंदर कुंठित था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, निकल नहीं पा रहा था ये बाहर, ये सडनली कुछ घटा, और इसमें जिस तरह से इन लोगों ने जामिया यूनिवर्सिटी पे अटैक किया, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो 15 दिसंबर की शाम और रात जो है ना वो कालिख से भी लिखी जाएगी हमारे देश के माथे पे, पर इतिहास में शायद वो स्वर्ण अक्षरों में भी लिखी जाएगी। उस 15 दिसंबर की रात में कितने लोग बदले हैं मैं आपको बता नहीं सकता, कितने लोगों से मेरी बात हुई है बिना उससे पहले कोई जिक्र हुए, 16 तारीख को 17 तारीख को, और सब बोल रहे हैं यार 15 तारीख की रात को सो नहीं पाए यार, वो वीडियोस देख के जामिया वाले यार अंदर से हिल गए यार, लोग उठ उठ के बम्बई से कहीं कहीं अलग अलग शहरों से लोगों ने बोला यार पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे साथ भी हुआ, पर मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता,
मैं क्या कर दूंगा, अगर पुलिस अटैक करेगी दोबारा मैं अकेला खड़ा होकर रोक थोड़ी दूंगा उन्हें। पर पता नहीं, आदमी ने बोला नहीं यार मुझे जाना है, मुझे सड़क पे आके खड़े होना है। जितने लोग चुप रहा करते थे कई, वो लोग बोलना शुरू हुए, लोग एक एक लोग अंदर से हिले, क्योंकि ये एक बड़ा अलग प्रहार हुआ इस बार, लोग बर्दाश्त कर नहीं पाए ये वाला प्रहार। तो मेरा वो मानना है कि ये कलेक्टिव गुस्सा ना, ये देश का बना, ये हर आदमी परेशान हुआ। उसको ना स्टूडेंट पिटता हुआ देखा उसमें ना, उनको उनके सर पे टोपी और गाल पे दाढ़ी नहीं दिखी, जब बच्चा पिट रहा था उन्हें एक बच्चा पिटता हुआ दिखा। तो जो उस उम्र के भी लोग हैं जिनके बच्चे हैं, वो लोग भी हर्ट हुए। अभी जो शाहीन बाग में जिस तरह से ऐसे औरतें बैठी हैं, ज़्यादातर बड़ी उम्र की, लगभग दो हफ्ते से बैठे हैं लोग इस ठंड में, वो क्यों बैठे होंगे इस ठंड में? उनका पॉइंट ये है कि हमारे बच्चों को मारा। अब इस बच्चे में सारे बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्ध सब सारे बच्चे हैं। आपने अगली जनरेशन को टारगेट कर दिया। इनको लगा था कि ये जामिया और एएमयू पे अटैक जो है वो हिंदू मुस्लिम रंग ले लेगा, पर वो नहीं लिया। वो रंग जो है वो करेक्ट आया, वो देश के नागरिक का गुस्सा है जो आपने छेड़ दिया, आपने बेसिक अधिकारों का गुस्सा छेड़ दिया। ज़ीशान, इस पूरे प्रकरण पे जैसे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या दूसरे नेता जो सार्वजनिक मंचों पे सफाई देते हैं कि आप लोगों को गलत बताया गया है, आप लोग हिंसा मत करिए, कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग के छलावे में मत आइए, तो आपको लगता है कि समाज इन सफाइयों को मानेगा, मान रहा है? क्योंकि बोल उनका कि हमें एनआरसी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा विचार ही नहीं है, अभी नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। अब देखिए, तो कई लोगों ने कहा कि भाई अब प्रधानमंत्री ने कह दिया, आपने प्रेशर बिल्ड किया, वो बैकफुट पे आ गए हैं, अब आप लोगों को भी शांत हो जाना चाहिए। कई लोगों ने इस तरह की बात की। हाँ, सब कहा तो बहुत कुछ जाता है, तो उस पर तो मतलब अभी उस बात पर खुद ही हमने अभी बात करी कि एनआरसी वाले पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो साहब, अब आपकी किसी भी बात पर यकीन करना कितना मुश्किल हो जाएगा स्पीच में खासतौर पर। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं, एक तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्शे, मतलब मैं बोलना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि साहब वो कैसी फिल्में बनाते हैं, मैं उसका पॉइंट नहीं कर रहा, पर एक फिल्म बनाने वाले एक आदमी ने अपने एक ट्विटर में एक कहीं से उसके दिमाग में ये घटिया सा एक टर्म आया, उसने लिख दिया, आपने उसे ऑफिशियल टर्म बना दिया। आप स्पीच में इस्तेमाल कर रहे हैं अर्बन नक्सल, क्या टुकड़े टुकड़े गए, कौन सा? बस मेरा मानना हो गया सारा, अब आप लोग ऑपोजिशन में नहीं है। वो स्पीच ऐसी लग रही थी कि ऑपोजिशन का लीडर दे रहा है स्पीच किसी कानून के आने पे। अब आप ऑपोजिशन में थोड़ी हैं, आप अभी तक कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस से हमें परेशानी थी, तभी तो हटा दिया था 2014 में, मतलब बिल्कुल ही साफ कर दिया था ना कांग्रेस की, कहाँ पावर बची? कांग्रेस को आप पावरफुल बना रहे हैं, आपकी हरकतें ऐसी हैं कि जो है लोग, भाई इन्होंने तो कोई कैंपेनिंग ही नहीं करी महाराष्ट्र में कांग्रेस के, तो ऐसा लग रहा था कि वो तो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो यहाँ पे जीत ही नहीं सकते, बीजेपी बहुत पावरफुल है। बीजेपी की अपनी हरकतें ऐसी हैं, ऐसे उनके चीज़ें आ रही हैं कि लोगों ने जाके बोला कि भाई किसी और को वोट दो, बाद में देखेंगे वो उसमें क्या खराबी है क्या कमी है। पहले ना उस वाली नॉर्मलसी पे आ जाते हैं जो जिसकी आदत हो गई थी शायद, जो कि बड़ी अच्छी हालत नहीं थी। तो ये वाली बात है, कांग्रेस के जो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, भाई मैंने तो कोई बयान सुना नहीं कायदे का कांग्रेस की तरफ से, और मैं यही बोलना चाहूँगा यहाँ पे लल्लन टॉप पे ही बोल देता हूँ, अच्छा है कि साहब मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपोजिशन का, मैं सही बताऊँ तो आपको कि इन्होंने पिछले 6 साल में कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करा, इनके पास कोई बात ही नहीं है करने को, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया इसीलिए आम आदमी जो है वो हार के इस उसने ये लड़ाई अपने हाथ में ली और वो आके सड़क पर खड़ा हुआ है। ये अगर कुछ कुछ कर रहे होते ना, ये वही रोटी वाली बात हो जाती है कि एक रोटी मिल रही होती, दो रोटी मिल रही होती वाली बात है ये। आप खड़े ही नहीं है, आदमी को ये रियलाइज़ हो गया, आम आदमी को, मुझे भी वहाँ बैठे हुए रियलाइज़ हुआ कि कोई आदमी नहीं है जो आके इस कॉन्स्टिट्यूशन को से, आप में से आधे लोग तो उठ के चले गए थे जब इस पर वोटिंग हो रही थी, अब आप बैठ के बड़ी बातें बना रहे हैं, आधे लोगों ने समर्थन दिया है, जो अब बाद में जब इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो डर के अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा, आधे लोग जो है वोट के चले गए, ना आपने वोट ही नहीं दिया, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वोट देने में। ये हरकतें जो हैं ये आम आदमी को ये समझाती है ना कि भाई कोई नहीं बचा। अब वही बोलते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि एक डाकू अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता था कि सड़क पे ना जब ज़्यादा लोग जा रहे हो ना तो लूट लेना, कोई अकेला दिखे ना तो उसे मत लूटना। तो आदमी ने भाई ये तो उल्टी सी बात हुई, अकेला आदमी तो लूटना आसान होगा, मगर नहीं, अकेला आदमी अपने भरोसे पर होता है, दो भी होंगे तो वो सोचेंगे ये बचा लेगा ये बचा लेगा, अकेला आदमी ना अपने भरोसे पे होता है कि मैं ही बचाऊंगा अपने आप को,
तो अगर उस पर हमला करोगे तो वो खड़ा होकर लड़ाई करेगा तुमसे, दो होंगे तो लड़ेंगे नहीं, वो भागेंगे। ये साइकोलॉजी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ठीक साइकोलॉजी, इन्होंने ये अप्लाई करवा दी हमारे देश पे। लोगों ने बोला भाई मुझे उतरना पड़ेगा, फिर वही वाली बात है कि फिर कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान जो है वो साथ में आके इस चीज़ के खिलाफ खड़ा है। कई हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है ज़ीशान की व्हाट नेक्स्ट, अब इसका भविष्य क्या है? आंदोलन हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं तो पुलिस ब्रूटैलिटी कर रही है, नोटिस भेज रही है, कई जगह नहीं भी हिंसक हो रहे हैं तो पुलिस ब्रूटैलिटी कर रही है, इस तरह शिकायतें आई, नोटिस चल रहा है, तो इससे क्या? क्योंकि अब बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया कि अब हम जगह जगह CAA के समर्थन में रैली निकालेंगे, और एक तरफ मतलब प्रदर्शनकारी वर्सेज स्टेट था, कई लोगों ने डर जताया कि प्रदर्शनकारी वर्सेज प्रदर्शनकारी ना हो जाए तब तो और भी मेहम हो जाएगा, तो आप आंदोलन की भविष्य में शक्ल कैसी देखते हैं? देखिए मैं कुछ ख्याल तो आता होगा ऐसे, बहुत ईमानदारी से बताऊं तो मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मैं कोई उस तरह से लीडर मैं हूं नहीं। बात जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये मजबूरी थी इतने तौर पे उतर के आ जाने की, ये जहां तक पुश किया था ना वहाँ, उसके बाद हुआ था कि मुझे नहीं पता क्या होगा, मेरे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो रात को 9 बजे के आसपास मुझे पता लगा था कि क्या हो रहा है, मैंने अगले दिन सुबह का जो मुझे पहला टिकट मिला मैंने लेके यहाँ पे आ गया था, मुझे नहीं पता था क्या होगा कैसे होगा। अभी आई थिंक जो एक इकलौती चीज़ मुझे लगती है कि जब तक ये स्टूडेंट्स के हाथ में है तब तक इसमें कुछ होगा। अभी सुनवाई क्या होगी, क्या आएगी, किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस पर, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट अभी जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि बहुत वक्त बाद देश जागा है, ये जगा रहना ज़रूरी है। अब ये जो आंदोलन वाली बात कर, अब जैसे मैं तब भी बोल रहा था कि अब देखिए समझ में आ रहा है ना, वो झूठ बोलना बैकफुट पे था, अब आपको रैली निकालनी पड़ रही है समर्थन में, क्यों निकालनी पड़ रही है? कि आपको ही पता है कि मामला जो है हाथ से बाहर चला गया है, ये चीज़ जो है गलत हो गई, इसलिए आपको अब रैली निकलवानी पड़ रही है अपने समर्थन में। अब जो इतिहास रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसका डर मुझे भी है कि आप जब ये दो रैलियां आमने सामने आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है बल्कि वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जिस तरह से जो ये रोक सकते हैं जब वही एक तरफ है, मतलब जब वही तोड़फोड़ कर रहे हैं, जब वो परेशान कर रहे हैं, तो इसका तो कोई भी लाइन नहीं होती। बट आप जब आम जनता जो पहली परेशान है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जैसे मैं अभी बोल ही रहा था, आप जब उन्हें आमने सामने छोड़ देते हो, आई एम श्योर कि आप जो है उन्हें अग्रेशन के लिए रेडी करके लाएंगे। आप एक ये कितनी ख़राब बात है, मतलब अगर आप खुद देखें एक देश को, मैं कह रहा हूँ अगर एक छोटा सा मैं थिएटर ग्रुप चलाता हूँ, उसमें अगर मुझे पता चले कि भैया दो गुट से बन गए हैं, जिसमें एक गुट है जो मेरा समर्थन करता है, एक गुट है जो मुझे मेरे किसी एक डिसीजन के खिलाफ खड़ा है, ये तो एक बेसिक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना सब, कि अगर आपको चलाना है वो, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और आपको एक बीच का रास्ता या जैसे भी जो भी आपको समझ में आता है एक कहीं पर पहुँचना पड़ेगा किसी मंजिल पर। मैं अगर इन लोगों को भी वहाँ भेज दे रहा हूँ लड़ने के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपनी टीम ख़त्म कर दे रहा हूँ, ये इन्हें मार दें, ये उन्हें मार दें, आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं है क्या कि जब इतने गुस्से वाले लोग सड़क पे उतरेंगे तो ये क्या करेंगे आपस में? आप अभी से आपने अपनी साइड दिखाना तो शुरू कर ही दिए भाई, 144 सिर्फ उसी दिन लगता है जिस दिन इसके विरोध में वो हो रहा होता है प्रोटेस्ट, CAA के NRC के विरोध वाले दिन 144 लग जाती है, जिस दिन समर्थन में जो दो चार रैलियाँ निकली उस दिन तो साहब कोई ख़तरा नहीं है, उस दिन को 144 नहीं लगता, डिटेन जो है वो सिर्फ इसमें से करे जाते हैं, लोग उसमें से डिटेन नहीं किए जाते। अभी जो वहाँ पे RSS की वो निकली, उसके आगे तो कोई सिक्योरिटी उस तरह से नहीं रखी गई, लाठियाँ लेके इतने लोग सड़क पे चल रहे हैं, अब क्या आप ये क्या कर रहे हैं? ये शक्ति प्रदर्शन है, ये इनको लगता है कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, इस टाइम पे वो रैली निकाली है आपने, ये शक्ति प्रदर्शन किया है आपने कि देखिए हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। आपने RSS का जिक्र किया, कुछ दिनों पहले एक दो दिन पहले RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो वो हिंदू है, क्योंकि हम सबके पुरखे साझा हैं, हम सबकी जबान साझा है। कुछ विदेशी आक्रांता आए थे जो लोग बाकी सबके तो पुरखे यहीं के हैं, उन्हीं का धर्मांतरण हुआ गरीबी के चलते, दबाव के चलते, जो भी चलते, इस तरीके के जब बयान आते हैं कि सब हिंदू हैं, एक एक कॉमन अम्ब्रेला वाली बात, या कई लोग उस क्रिटिक को वहाँ तक ले जाते हैं कि साहब
अकबर औरंगजेब आपके पुरखे थोड़ी ना, आपके पुरखे तो राम और कृष्ण हैं, इस पे आपको गर्व क्यों नहीं है? या उसको और भी एक एक्सट्रीम रूप पे ले जाते हैं, मोदी सरकार के मंत्री कल बोल रहे थे कि जो भारत माता की जय बोलेगा वही रहेगा, या जो एक देशभक्ति मांगने का सर्टिफिकेट हो गया कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता? देखिए ये ना बड़ा बहुत बहुत मसले वाला काम है सारा। अब जैसे उस वाली बात पे ना बोलूँगा कि सारे हिंदू हैं, उसमें ना उदय प्रकाश जी की एक लाइन उसमें बोल दूंगा मैं तो, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं, वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही, जैसे नाम पढ़ा हिंदू सिंधु से पढ़ता है ना, अब तो सिंधु हमारे पास है नहीं, तो बड़ी प्यारी लाइन है कि भाई पाकिस्तान में सब हिंदू हैं, भारत में सब गंगू हैं, क्योंकि हम गंगा के किनारे के हैं। मैं इतने बेसिक तौर पर बोलूँगा ये, क्योंकि ये शब्द वाली उसमें घुसेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो कहाँ से वर्ड आता है, उसका क्या घटता है, क्या नहीं होता? अब भाई मैं कह रहा हूँ मेरे दादा ने क्या किया, तो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, मेरे पापा कन्वर्ट हुए थे, मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान बन गया, मैं अभी तक आया था एक अलग उससे, मैं बन गया। अब भाई मेरा संविधान जो है मुझे, मैंने जो भी धर्म अभी अपनाया है वो फॉलो करने का वो मौका देता है, तो आप ना मुझे ना अब ज्ञान मत दीजिए कि नहीं नहीं असल में तो तुम हिंदू थे, तो क्या करूँ मैं? आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं, मेरा तो ना सवाल वहाँ पे आ जाता है कि आप इस देश को कैसे बनाना चाह रहे हो, आपको ये यूनिफॉर्मिटी से क्या क्रेज है कि सब लोग सेम क्यों दिखें? आपकी क्या दिक्कत है, क्यों आपको ख़राब लगता है कि चार अलग तरह के लोग चलते हुए आ रहे हों? आपको सोच में भी चार अलग सोचनी चाहिए, चार क्या आपको दो ही नहीं चाहिए? आपको तो एक से, आपकी बात से हर किसी ऑफ कोई बात बोलता है तो आपको उससे नफरत है, कोई कपड़े अलग पहन ले उससे नफरत है, कोई खाना अलग खा ले उससे नफरत है, कोई कुछ भी कर ले आपको परेशानी है कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, ये नहीं वो होते यार। देखिए इनकी ना बातें ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बूढ़ा ताऊ नहीं हो जाता तो अपने गाँवों में होते ना चारपाई डाल के पड़े रहते हैं कि आते जाते हर आदमी से उन्हें दिक्कत है, उनको अपना है कि मेरे हिसाब से चलेगा ये, यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जिस तरह से उनको ट्रीट करते हैं मेरा मानना है इनको वैसी ट्रीट करना चाहिए कि हाँ आता हूँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, इनको ये बोलो पर काम वही होना चाहिए जो होना चाहिए। तो ये तो इन लोगों का ना, ये बैठे हुए हैं आराम से, इनको ना कोई मतलब नहीं, इनको बल्कि मज़ा ही आता होगा, इनको खबर होती होगी अच्छा इतने मर गए, इनके लिए नंबर है अच्छा वहाँ पे इतने मर गए अपने इतने बेच दो वहाँ मार दो, इनको समझ में नहीं आता कि सभी इंसान हैं इधर वाला भी उधर वाला है, तो इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने का नहीं है सर। कल मैं फेसबुक देख रहा था, जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं कि मेरा फेसबुक देखना एक घटना है, क्योंकि मैं फेसबुक ज़्यादा नहीं देखता हूँ, फ़ोन पे नहीं रखता हूँ ज़्यादातर वक्त, मैं तो हुई नहीं फेसबुक पे। अरे सुकून में है जी सर, सुकून में है बहुत। तो फेसबुक पे मैंने देखा, हमारे एक मित्र हैं JNU के, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी और उस पर बड़ी ज़रूरी किस्म की तीखी टिप्पणी थी। पोस्ट थी कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो चीन के प्रीमियर से मिले और उन्होंने कहा कि जो उइगर मुस्लिम्स को लेके चीन कर रहा है वो उनका आंतरिक मसला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उस पोस्ट को शेयर किया और कहा कि जो लोग सऊदी वर्जन ऑफ इस्लाम जिसको वहाबिज़म कहते हैं उसके भरोसे बैठे हैं और जो खुदा हाफिज़ की जगह अल्लाह हाफिज़ बोलने लगे हैं, ये उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा वतन, तुम्हारे हक, तुम्हारा संविधान, ये जो कट्टरपंथ से लड़ने के नाम पर भी अगर कट्टरपंथ आयात कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा भला नहीं करेगा, क्योंकि उनको उससे काम नहीं, उनको भी अपने हित दिख रहे हैं व्यापारिक। एक ये बड़ा क्रिटिक होता है, जैसे मैं क्रिस्टोफ ज़ेफ़लॉट की एक बुक पढ़ रहा था उसमें भी ये बात आई थी कि अनफॉर्चुनेटली जो भी यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स रहे, एक जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा था जिसको हम कहते हैं इंडनाइजेशन ऑफ इस्लाम। जैसे आपको बहुत सारे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में बहुत सारे मुस्लिम्स मिलेंगे जिनकी बहुत सारी रवायतें हैं जो हिंदुओं जैसी हैं, है ना, और बहुत सारे आपको हिंदू मिलेंगे जो साहब नहीं हमारे यहाँ पीर पे भी चादर चढ़ानी है शादी, तो वो बड़ा जिसको हम कंपोजिट गंगा जमनी तहजीब कहते थे। लेकिन इधर जो एक किस्म का प्यूरिटन अप्रोच चला है वो आपको कश्मीर के मूवमेंट में भी दिखेगा कि वो वहाँ पे जो लोग पहले कहते थे कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई वो इस्लाम की लड़ाई है ना, और वो जो खुदा हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़ वाला शिफ्ट हुआ है ना, वो पजामे ऊँचे होते चले गए, दाढ़ियाँ लंबी होती चली गई, और जो एक हर तरफ के कट्टरपंथ होते साहब दीन खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, रिलीजन खतरे में है, और जो सर सैयद अहमद खान बड़ी एक मार्के की बात कह गए थे कम वक्तों अंग्रेज़ी पढ़ो साइंस पढ़ो, वो पीछे रह गया। तो आपको लगता है कि कम्युनिटी के अंदर से भी वो एक चीज़ मिस हो गई, मिसलेड हो गए कम्युनिटी के ही लीडर्स या पार्टी के लीडर या देश के लीडर?
ये एग्जैक्टली मतलब जो मैं पीछे बोल रहा था ना, जो मैं एक हल्की सी लाइन बोली कि भाई आपने एजुकेट नहीं किया वाली पॉइंट भाई। अब जैसे सर सैयद अहमद खान का आपने बोला, अब देखिए बात क्या है, मैं अगर इस्लाम के तौर पे जो मैंने पढ़ाई करी है उसके हिसाब से अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ, जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है मुझे इस्लाम के बारे में, सबसे कमाल की चीज़ है वो कि भाई पहला लफ्ज़ क्या आया था, इकरा, इकरा पढ़ो, उसी चीज़ को ताक पर रख रखा है, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पढ़ाई जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा था कि पोलराइजेशन प्रॉब्लम वही है ना, एक तो एक सबसे बड़ा नैरेटिव जो ख़राब बना हुआ है, जो मैं जाके बोल भी रहा हूँ जितना हो पा रहा है, कि भाई सुनो लोगों के पास ना नहीं है टाइम कि वो बैठ के सोचते रहें कि इस्लाम को ख़त्म कर देंगे दुनिया से। बहुत बड़े बड़े गेम चल रहे हैं, लोग जो है उनके लिए सबसे बड़ा धर्म जो है अभी आज की डेट में पैसा बना हुआ है, इकोनॉमी को समझिए, वहां से कहीं ऑयल मनी है, कहीं आर्म्स मनी है, सारा गेम उधर है, किसी के पास वक्त नहीं है कि इस्लाम को खत्म करने के लिए बैठ के साजिशें बनाएगा। यह आपको लग रहा है, आप अपने घर पे बैठ के सोच लो, लोगों तक ना बिना बात के पहुंचाओ मत, ये बिना बात का फियर मत डालो लोगों में, कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, ठीक है सर। इस्लाम को अगर खतरा है तो मुसलमानों से, सीधे तौर पे आपने जिस तरह से उसका रूप बनाया, जैसे इंडिया का मैं बोलूँ, इंडिया के मुस्लिम्स का, मैंने भी अभी एक मैंने वो डाल दिया था, उसमें लोगों ने पहले वाले पे ध्यान ही नहीं दिया, दूसरे वाले पे गालियाँ पड़ती गई मुझे ट्रोल्स में, तो मैंने डाला, मैंने कहा जब से खुदा हाफिज़ का अल्लाह हाफिज़ और जय सिया राम का जय श्री राम हो गया, मेरे देश का काम तमाम हो गया। तो इस पे लोग जय सिया राम जय श्री राम में ही फंस गए, वो इधर वाले पे आधे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम। बात ये ना साहब, ये सबसे ऑब्वियस है खुदा हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़, आप ना धीरे धीरे आप मबरूक करते जा रहे, आप ना इसको पूरा वहाबिज्म क्या करते जा रहे हैं, आपने पढ़ी मुबारक को मबरूक, मबरूक ये क्या होता है, मबरूक अरेबिक में होता होगा मैं ये मान रहा हूँ, पर हमारे हिंदुस्तान में तो मुबारक होता है क्योंकि हम उर्दू से बोलते हैं ना ये लफ्ज, उन लोगों ने इसको कर दिया है कि मबरूक बोलो। किन लोगों ने ये क्या ये पूरा जो देवबंदी शाखा है, देवबंदी शाखा है ये, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ये वही प्यूरिटन कट्टरपंथी छोटा पजामा बड़ी दाढ़ी वाला जो एक पूरा तबका है ना, हाँ। ये उसमें है जो एजुकेशन से भागे। अब देखिए बात क्या है, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है जो जमात वाले लोग हैं, ठीक है बिल्कुल भाई ठीक है, एक आदमी कह रहा है कि भाई आइए आप आके नमाज पढ़ा करिए, बिल्कुल तो जमात वाले समझा दें क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आने नहीं, मतलब वो जब आप वाले मत समझिए, आतंकवादी वाले जमात नहीं, जमात वालों का बेसिक एक काम ये रहता है कि वो जाते हैं और लोगों को कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, एक इसकी लिए बेसिकली शरिया के मुताबिक चले, नॉट एग्जैक्टली शरिया के मुताबिक, वो जमातियों का जो मेजर मैंने देखा है, वो बाद में डिटेल में अंदर घुसते होंगे तो पता नहीं क्या बात करते होंगे, पर मोटे तौर पर पॉइंट ये है कि भाई आप नमाज पढ़ने आया करिए, आप जो है रोज़े रखा करिए, आप कलमे में बिलीव करिए, एक बेसिक तौर पे जो इस्लाम के जो पांच वो हैं फ़र्ज़, आप उनको फॉलो करिए। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, धर्म को ही फॉलो करने के लिए बोल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, तो लोग कर रहे हैं। अब बात क्या है कि ये वाला जो तबका है ना, इसका ना एक दिक्कत है, इसमें कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो कई बार आप उनकी बात बात सुनते हो, कोई बयान आता है, कोई आदमी कुछ फॉरवर्ड भेज देता है, पढ़ते हो, बोलते हैं बड़ी सेंसिबल सी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, इंटरेस्टिंग है। पर इसमें मेजर जो है ना, जैसे मैं अगर आपको अपने इलाके के तौर पे बताऊं, मेजर हैं जो कई लोग थे जो बदमाश थे एक टाइम तक ना, बदमाशी करते थे, गुंडागर्दी, ये वो। अब उनके पास एक टाइम के बाद पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अब कहीं से तो पैसा कमाना है, हो गया अब कॉलेज का वक्त ख़त्म, बाप ने पैसा देना बंद कर दिया, तो आधे चले गए कंस्ट्रक्शन के काम में, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं कि हमारी साइड है वहाँ चल रही है, एक लक्ष्मी नगर में चलती है, सीलमपुर में चलती है उनकी साइड, बाकी जो थे उनको लगा कि पाप धोने के लिए हम बन जाते हैं जमाती, तो वो आके बन गए हैं जमाती दाढ़ियां। जमाती मतलब धर्म प्रचारक जैसा कुछ, धर्म प्रचारक बेसिक तौर, जो आके धर्म के बारे में बात करते हैं कि भाई धर्म पे चलना कैसे जरूरी है, बेसिक आइडिया ये, और वो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट है, वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। हाँ। तो आप जाते हैं कि भाई महीने में 3 दिन लगाने की एक बात होती है, 40 दिन लगाने की बात होती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये वाला तबका जो है ना, ये बहुत गुस्सा, इन लोगों ने क्या करा है, ये मबरूक करवाना शुरू कर दिया है, ठीक है, मुबारक को मबरूक, मुबारक को मबरूक कर देते हैं, रमजान को रमदान बोलने पर लगे हुए हैं लोग, और उसको अब क्योंकि उनके यहाँ तो वो शब्द नहीं है ना, बोल पाते नहीं रमद, अब बात क्या है कि वो रमदान नहीं है ये, हाँ। तो रमदान लिख देते हैं, हाँ। क्योंकि बोल पा नहीं रहे हमारे, हाँ। वैसे लहजे की प्रॉब्लम है यार हिंदुस्तान, हाँ। में आदमी हर तरह के उसमें साउंड नहीं पकड़ पाता, वो रमदान है, वो द और ज के बीच का एक साउंड है, अब वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसका द कर दिया इन्होंने, अब आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि रमजान लिखना गलत हो गया, अगर रमदान होता है
अब मुझे कितने बार मैसेज आते हैं जो बेचारे उनको लगता है कि होली रमदान मंथ, हाँ होली रमदान मंथ, रमदान मबरूक, रमदान मबरूक, हाँ आदमी बोलता भाई सब सुन रहने दो ये ना, कोशिश मत करो। और कई वो वाले भी दोस्त हैं अपने जो हिंदू धर्म के हैं या किसी और धर्म के, उनको लगता नहीं यार हम साथ खड़े हैं इस्लाम के, तो उनको लगता है कि शायद यही सच होता है। मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, इस प्रोपेगेंडा में मत फंसो, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा अलग चल रहा है। जैसा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे ये जो सारे इस्लामिक मुल्क हैं जो बर्बाद हुए इसी वजह से, वो उसको पूरा इस्लामिक बनाने की कोशिश। हमारे लिए तो इस्लाम वही है जो हमारे गाँव के शकूर चचा का था। शकूर चचा सुरमा लगाते थे और बढ़िया अपने लालटेन के हंडे जो होते हैं हंडे के, वो सब बल्ब बदलते थे और बड़े प्यार से मिलते थे। और शकूर चचा के दुकान पे कंटर में पीठा होता था जो उतना ही पीठा होता था जितना किसी ब्राह्मण या दूसरी बिरादरी के हिंदू की दुकान में होता होगा। आप लोगों ने बया का घोंसला देखा है, ऐसे फूला फूला सा होता है, वैसे मेरा सर हो रखा है। हमारे एक साथी हैं विनय सुल्तान, उन्होंने अपनी जुल्फ़ें बहुत लंबी लंबी कर रही, तो हम भी प्रेरित हो गए, हमने भी बाल बढ़ाने चालू किए, पर फिर उनको जतन से संवारना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अभी हम बात कर रहे थे अपने दोस्त और कलाकार, एक्टर और नागरिक ज़ीशान अयूब से, पर बीच में हो गया ब्रेक, कहे से कि हमको अपना टीवी शो शूट करना था, और टीवी शो पे चूंकि रोशनी एकदम भकाभक चेहरे पड़ती है, तो हमको भाई लोग कैमरे वाले समझाते हैं कि बेटा ये रोशनी एब्जॉर्व करने के लिए चेहरे पे रंग रोगन ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ये वीडियो कंटिन्यूटी में देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो गई, हाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो वो कंटिन्यूटी क्यों ब्रेक हो रही है उस पर हम सफाई दे दें। और अच्छी चीज़ ये है कि जो एक्टर सुंदर सुंदर दिखते हैं उनको हमने उसी रूप में रखा है, बिना मेकअप के, बिना मेकअप के। ज़ीशान, हम लोग वहाबिज्म पे बात कर रहे थे और आप बहुत सारे उदाहरण समझा रहे थे, ये हम लोग समस्याओं पे बहुत बात कर रहे हैं, अगर इसी एक चीज़ के हम समाधान की बात करें, जैसे मैं अपने तई एक तो एक बार मैं AMU में बोलने गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि आप टॉपिक सिलेक्ट करिए, तो मैंने कहा कि मैं शकूर चचा के हंडों पर बात करूँगा। तो मेरे गांव में शकूर चचा थे, वो रोशनी के हंडे तैयार करते थे, लेकिन शकूर चचा के बच्चे पढ़े नहीं, तो जो इल्म की तालीम की रोशनी होती वो नहीं मिली, तो उनके जो मेरी एज के बच्चे हैं वो आज भी गाँव में हैं, रोज़गार कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये ज्ञान का हंडा जलाना बड़ा ज़रूरी है, तो AMU में हम बोल के आए ये चीज़ कि भैया हम भी, आप चाहोगे तो हम इनकी बुराई कर देंगे, उनकी फलाने आपके निज़ाम बुरे हैं ये वो, पर मसला ये है कि सुधार कहाँ से शुरू हो, आपके हिसाब से ये सुधार कैसे शुरू हो सकता है, हु कैन बी द रोल मॉडल। मतलब ठीक है असदुद्दीन ओवैसी एक पार्लियामेंटेरियन है, एक जगह से चुन के आते हैं, लेकिन मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो वो जो बात करते हैं वो तो संविधान के दायरे में करते हैं, पर पता नहीं क्यों, मतलब इसको ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर उनका आउटलुक कन्फर्मिस्ट है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मैं ऐसे नेता चाहता हूं जो हर जमात से आते हों, जो हम लोगों के जैसे हों, दिल किया दाढ़ी रख ली, दिल किया क्लीन शेव हो गए, दिल किया बड़े बाल, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, और जो तरक्की पसंद चीजों की बात करते हैं कि यार सबको पीने का साफ पानी कैसे मिले, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की बात करते हो और इनके लिए सड़क पर उतरे कि मेरी कम्युनिटी में लाइब्रेरी क्यों नहीं है। पिछले दिनों मैं दोहा गया, इतनी शानदार लाइब्रेरी बनी हुई है, इतनी मॉडर्न लाइब्रेरी, एकदम कंप्यूटराइज्ड पैनल लगे हैं, एक से एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैंने नहीं देखा आज तक किसी को, किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी से किसी की सड़क पर उतरे साहब हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरुआत होगी आपकी नज़र में सॉल्यूशन? मतलब आई थिंक आपने दे दिया सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है पढ़ाई। इसके लिए मतलब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी लेवल पे, मैं कह रहा हूँ भाई आपको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या काम होते हैं, ठीक है आपको कि भाई हमें अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना, हमें अपने बच्चों को वो नहीं करना। मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हो हमारी जो दुकान है हमारा बच्चा तो यहीं आके बैठेगा, मैं इतने बेसिक बात भी कह रहा हूँ। पर अब जैसे जो आपने शकूर चचा के हंडों के बारे में बात करी है, मुझे पता नहीं उनके बेटे उतने अच्छे बना पा रहे हैं क्या, या उन्होंने उस जो भी वो बिज़नेस मॉडल था या जो भी काम था, क्या उसे वो किसी एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा पाए कि फैमिली जो है वो एक बेहतर लेवल पे लिविंग, जिसमें आपके पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य भी आता है, आपके सारी चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं। मसला ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब मैं दोबारा वाबी वाले उस पर हल्का सा जाके फिर आता हूँ इधर, कि
ये जो इकरा है ये कई लोगों ने मान भी लिया, कमाल विरोधाभास ये है इस दुनिया में कि आपने मान लिया कि भाई हाँ पढ़ाई करनी। इकरा कुरान शरीफ का पहला शब्द है और जिसका अर्थ होता है पढ़ो लिखो, पढ़ो बेसिकली। हाँ, तो अब बात यह है कि भाई उन्होंने कई लोगों ने उसको ये बना दिया, खासतौर पे मतलब एक वहाबी सेक्ट जो है, मतलब जो जमात वाला काम जो कर रहे हैं जो मैं बता रहा था कि भाई इसका मतलब सिर्फ था कुरान के लिए, सिर्फ कुरान पढ़ो, तो कुरान पढ़ो और हदीस पढ़ लो थोड़ी उसके साथ, और हदीस भी बेमतलब बस पढ़ जाओ, ठीक है। अब बात यह है कि आप जब तक उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, आप अगर उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि भैया, जबकि एक ये प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस में ही आता है, मैंने मुझे ऐसे नहीं पता पर किसी एक बुजुर्ग से ही सुना था मैंने कि उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ने के लिए तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो जाओ, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था किसी से। अब भाई वहाँ तो कुरान पढ़ने तो भेज नहीं रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ अगर मैं उस तरफ से भी आता हूँ, उस तरह से भी मैं बात करूँ तो ये तो कह नहीं रहा कि चीन जाके कुरान पढ़ना, कुरान तो यहीं अवेलेबल है, यहाँ पढ़ लो। वो अगर बोल रहे हैं कि अगर तालीम हासिल करने के लिए, इल्म के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो वहाँ भी जाओ, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करो। तो पॉइंट ये है कि आप जैसी पढ़ाई करेंगे, आप जैसी ये, तब ये लाइब्रेरी का पॉइंट भी आएगा, तब ये साफ पानी भी मांगेंगे, तब ये खाने के लिए भी अच्छी चीज़ें मांगेंगे, अच्छी लैब। भाई तो मैं बहुत आगे चला गया, बहुत आगे। एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग बहुत ही तसल्लीस बात कर रहे हैं, मेरी कई दोस्त हैं जो बाहर हैं, साइंटिस्ट हैं, जेएनयू दूसरी जगहों से पढ़ी हैं, कोई कैंसर पे काम कर रहा है, कोई पोस्ट डॉक, कोई इसराइल में, कोई जर्मनी में, कोई यूएस में। तो मैं कहता हूँ यार तुम लोग इतना कमाल काम कर रहे हो, पर वो विदेशी साइंटिस्ट की लैब है, वहाँ पर तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, पर देश के लेवल पर तो हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो वो फिर मुझे बताते हैं कि यार अगर हम देश वापस आके काम करना चाहें इसकी आधी सैलरी पर भी, तो लाल फीता शाही है, इतना बाबू डम है, प्रोत्साहन नहीं है, हायरकी है। तो मैंने कहा यार हमें तो कितनी जगह चीज़ें फिक्स करनी है एक कंट्री के तौर पे, कि लैब से लेके स्कूल तक, ये लैब बहुत ऊपर की चीज़ है कि बड़ी बड़ी साइंटिफिक लैब्स, पर बहुत जगह फिक्स करना है, और अभी फिक्स क्या कर रहे हैं भाई। ये वो वाला ही है ना कि अब जैसे कई बार बात होती है, मैं कहता हूँ भाई हमारा जो आईएएस कैडर है वो कमाल पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है, मतलब दुनिया के कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक आता है, और मतलब वो है। तो आदमी कहता है पॉलिसी बनाए, मैं कहता भाई मसला वही है, हमें पॉलिसी थोड़ी बनानी, पॉलिसी हमारे पास बहुत कमाल कमाल की है देश बनाने के लिए, हमें आदमी को सही रखना है, इम्प्लीमेंटेशन दुरुस्त, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी सोसाइटी से जो आदमी पैदा हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उस आदमी को समझ है नहीं इन चीज़ों को लाइन में लगाने की, इनको इम्प्लीमेंट करने की, आगे बढ़ाने की। मसला ये है, तो मुसलमान तबके के लिए तो मेरा तो सबसे पहला वो ये है कि भाई आप जो है ना, आप पढ़ाई लिखाई पे अपने बच्चों के ध्यान दो, आप एजुकेशन की तरफ उनको धकेलो, और मुसलमान तबके के लिए तो हर तबके के लिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ अगर हम जैसे वहाबिज्म से हम इधर आए कट्टरपंथ के लिहाज, हाँ तो कट्टरपंथ के हिसाब से कि ओवैसी की भी जैसे बात चली बीच में, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मैं उनके हिसाब से, मैं अगर ओखला के तौर पर, मैं ओखला का लड़का हूँ भाई, मैं ओखला के तौर पर अगर बोलूँ, मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत है, आपको सबसे पहले अपने दिमाग से एक तो, और लड़का लड़की का फर्क ये आई थिंक एक बहुत मेजर दिक्कत है, आप लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं आप लड़कियों को, कि इसके बाद उनकी शादी थोड़ा अच्छे घर में हो सकती है अगर बीए करी हुई लड़की है। पर अब आप देखिए कितने अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मतलब ये सब ना पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे कि हमें कहाँ कहाँ खुलना है दिमाग से कि हाँ हाँ, अब हमारी एक रिश्तेदार है लड़की, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे मतलब खूब नंबर आते थे, हमसे तो बहुत ज़्यादा आते थे जितने हमारे आते थे उससे, तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन, मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, डीयू वगैरह में, बाहर की भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा था। तो हमने बोला हाँ अच्छा, अब क्या चूज़ करोगी, मतलब वो तो उस वाले लेवल पे थी कि अब चूज़ कर सकती है वो, कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, ये वो कि नहीं 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 अम्मी वगैरह सब बोल रहे हैं तो जामिया में पढ़ लूँगी, पास का पास है, तो दोपहर में फिर आदमी ताकि घर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जामिया का, जामिया में नहीं पढ़ना चाहिए, वजह गलत है आपकी जामिया में पढ़ने की, आप जो है ना, आप एजुकेशन को उस प्रायोरिटी पर रख ही नहीं रहे हैं जहाँ पे आपको रखनी चाहिए। मैं तो हर चीज़ का सोल्यूशन वही बोलता हूँ कि भाई आप ना बस पढ़ाई लिखाई ठीक कर दो, जितने पंगे हो रहे हैं, जितने रायते हो रहे हैं ना, ये सब सुलझ जाएंगे। आप और हम यहाँ बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, चार चीज़ों के बारे में बात कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे दिया था थोड़ा सा, अभी भी पढ़ते लिखते रहते हैं, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि डिग्री उठा लिया आपने, अब बात कर रहे हैं कि आपको एजुकेट करना है अपने आप को, डिग्रीज हासिल करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, बात यह है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना है। तो ये जो है ना, ये तबके में घुस के, अब जैसे एक आध दो जगह पे शुरू हुआ था, मैं कह रहा हूँ
बिल्कुल मुसलमानी मुसलमानी तौर पे अगर मैं बोलूँ कि भाई आप जो आपकी मस्जिदों में जो बयान होता है, मैंने एक दो जगह पे सुना भी है, बयान मतलब तकरीर, बयान तकरीर के मतलब जैसे जुमे की नमाज से पहले भाषण होता है, वो नमाज से पहले होता है या बाद में होता है? पहले होता है, जुमे की नमाज से पहले होता है जनरली। कौन देते हैं? इमाम। अच्छा। जो इमाम जो है वो मस्जिद में बयान देते हैं, उसके बाद फिर खुतबा नमाज होती है, दुआ होती है, उसके बाद होता है। तो जो बयान है, मैं कह रहा हूँ कि दोपहर की जो इकरा की नमाज, सॉरी वो जोहर की, जोहर की नमाज जो एक डेढ़ बजे के लगभग होती है। हाँ, जो फ्राइडे को जो जुमे की नमाज मशहूर है दोपहर को होती है, एक डेढ़ के आसपास ही इंडिया में वो टाइम फॉल करता है, उस वक्त में नमाज होती है। पर आप देखेंगे तो वो थोड़ी जल्दी शुरू हो जाता है, अजान जल्दी हो जाती है अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, और जल्दी लोग जाना शुरू होते हैं। अगर डेढ़ बजे की भी है तो पौने बारह से वो पौने एक बजे से लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि इमाम साहब का बयान होता है। अब मेरा कहना ये है कि भाई आप जब ये इमाम साहब का बयान हो रहा है, इसके अंदर आप वही वाली बात कि इस्लाम को कहाँ ख़तरा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उसको मॉडर्न तौर पर समझते हुए आदमी को ज़िंदगी कैसे जीनी है, अगर आप उतने सलीके पे भी बात करें, बेसिक एजुकेशन की बात करें, मैं कह रहा हूँ वहाँ से तो शुरुआत करो। एक आदमी को इस बात पे तो मोटिवेट करो कि आपको आगे जाना है। अब जैसे मेरे जमातियों से वो है, मतलब अच्छा ही आपको उसमें फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, मेरे जमातियों से सिंपल कहना है कि हमारे वालिद साहब जो थे वो साफ भगा देते थे घर के बाहर से जमातियों को। क्यों? आपके वालिद? हाँ, क्योंकि वो पढ़ने में उनका बहुत बिलीफ था, वो खुद भी टीचर ही थे वो। अच्छा। तो उनको कहता भाई पढ़ाई जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ाई करनी है और जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, उसी से ज़िंदगी में तरक्की होगी। तो मेरा भाई PhD है, तो उनका वैसा वाला था कि वो तो चाहते थे कि भाई जहाँ तक चाहो ना बस पढ़ते रहो ज़िंदगी भर, उससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। तो जमाती कई बार आते तो वो कैसी बातें करते हैं, अब देखिए उसमें कुछ समझदार भी है, मैं उनको अलग कर देता हूँ, पर ज़्यादातर ये वाला तबका है। वो आएंगे, आपने आए घंटी बजाई कि हाँ भाई जीशान साहब हैं, कि उनसे मुलाकात करनी है, घर वाले किसी ने बोला भाई जाओ तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, आप गए तो आपको चार जमाती मिले। अब आप गए, आपने आगे बोला, उन्होंने बोला ये मस्जिद में बातचीत होनी है, वो आपने बोला मेरा कल एग्ज़ाम है, ऊपर जाके कोई डिग्री काम नहीं आएगी। जहाँ ये सुनते थे वहाँ से मेरे पापा आवाज़ लगाते थे कि चलो भागो यहाँ से, पता है मुझे कौन हो तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से, बच्चों को तुम यहाँ से बिगाड़ रहे हो, ऊपर जाके डिग्री काम नहीं आएगी, बट नीचे तो काम आएगी। हाँ, और भाई जिंदगी जो है वो अगर आप बिता ही नहीं रहे, अगर आपको समझ ही नहीं है, तो आप वही भीड़, आप वही भीड़ चाल में लोगों को हाँक रहे हो कि क्या होता है कि कोई डिग्री काम नहीं आएगी। इससे ज़्यादा लेम आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता साहब, पर उनका जो है ना हिसाब किताब इसी पे चल रहा है, क्योंकि खुद पढ़ाई नहीं करी तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जो हूँ 12वीं तक बिल्कुल जैसे, क्योंकि ओखला का पैटर्न है भैया नमाज पढ़नी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, मैं सब नमाजें वहाँ से पढ़ता। क्या है ये, मतलब मैंने बहुत सुना है, क्या बार बार आप जिक्र भी कर रहे हो ओखला का पैटर्न? यार ओखला आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया का तो है ही शायद सबसे बड़ा मुस्लिम घेटो है ओखला। मुस्लिम घेटो के सारे ज़्यादातर आबादी जो है वो मुसलमानों की है ओखला में, क्योंकि ओखला बसा है एक्चुअली पिछले 20 सालों में ज़्यादा, ओखला मेरे छोड़ने के बाद ज़्यादा बसा है ईमानदारी की बात। मतलब मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो मेरा ओखला आना जाना थोड़ा कम होता गया, कॉलेज में रहा, फिर NSD में हॉस्टल में रहा, फिर उसके बाद कोटला में था मैं साल भर, फिर मैं बम्बई चला गया था। तो आप ये समझिए कि ज़्यादातर इलाके जो है ना आसपास जो घर थे उनके अलावा वो हुआ करते थे, बंजर ज़मीनें हुआ करती थी, दलदल थी, बेकस था, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। धीरे धीरे ना बहुत सारा इमिग्रेशन हो के वो जो एक वही घेटो मेंटालिटी जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे को भींच के रखना, वो फियर से आती है या कहाँ से आती है पता नहीं, बट वो आना शुरू हुई और धीरे 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 ना ओखला बसता चला गया। और अभी तो मुझे ही नहीं समझ में आता, मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ कहाँ कौन सी गलियाँ निकल आई हैं भाई, कहाँ से जाएँ, इतना बस गया है वो। मैं डेवलप नहीं बोलूँगा क्योंकि डेवलप मेरा वही मानना है, मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ जिसका मतलब डेवलपमेंट सड़क और बिल्डिंग होता है, डेवलपमेंट और चीज़ों में होता है, तो डेवलप नहीं हुआ है पर बहुत ज़्यादा बस गया है, बिल्डिंगें बहुत बन गई हैं चार चार फ्लोर की, पहले सिंगल मकान हुआ करते थे। तो क्या है कि एक ना वो क्योंकि आप आए ही उस इलाके में रहने इसलिए हैं कि यहाँ पे आसपास मुसलमान रहते हैं, आप इसी मेंटेलिटी से आए होंगे, कोई आदमी जो बाहर से आ रहा है वो और कोई वजह हो नहीं सकती, कोई ऐसा ओखला जो है वो गोल्फ लिंक जैसा नहीं लगता है कि आदमी बोले कि यार इस जगह पर रहना है हमें। तो होता यह है कि वो ना धर्म को और करीब से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं हमें इसी माहौल में रहना है, हमारे बच्चों को सही तरबियत मिले। तो सही तरबियत में कई बार कहाँ भटक जाते हैं लोग, तरबियत मतलब कंडीशनिंग सही हो उनकी। अच्छा। तो वो कई बार कहाँ भटक जाते हैं कि वो ये समझने लगते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने से और चार मुसलमान लोगों के साथ रहने से तरबियत ठीक हो जाएगी हमारे बच्चे की।
तो अब क्या करते हैं कि अब आपको नहीं भाई नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, तू नहीं गया नमाज़ पढ़ने, वो और पास पास काफ़ी छोटी छोटी मस्जिदें वगैरह सब है होती हैं। तो आप कभी कई बार, जैसे हमें याद है हमारा तो वो खेल में मज़ा था, खेल का वो ब्रेक था कि घर के सामने मस्जिद थी, खेल के बीच में चलो अब थक गए ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, नमाज का टाइम हो गया, हाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, क्या है उसका रिलीजियस, वो क्या होगा, वो सब कुछ आइडिया ही नहीं आप। अब ये सब हुआ, फिर हम कॉलेज पहुँचे, कॉलेज पहुँच के फिर हम बन गए जो है, पर लगा कि नहीं यार धर्म में तो ये परेशानी, ये वो जो भी अपने सारे सोच वोच आई। फिर उसके बाद आई थिंक 2004-05 में कॉलेज से निकलने निकलने के बाद ना, एक जो मेरा मानना है शायद आता ही है ज़्यादातर लोगों का, एक ना बैकलैश आया कि यार क्या जो सब कुछ नकार दिया इन कॉलेज के 3 सालों में, सब कुछ गलत था क्या, एक बार देखना चाहिए। अब मैं किसी भी मुसलमान से इस्लाम के बारे में बात कर सकता हूँ और मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर सकता हूँ इस्लाम की काफ़ी चीज़ों को। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने इस बाहर निकलने के बाद जब मैंने आके मैंने कहा मुझे पढ़ना है, पहले मुझे समझना है बोला क्या है, हो क्या रहा है ये आसपास। तो जब मैं तब आया, वापस आया और मैंने पढ़नी शुरू करी किताबें, लोगों से पूछ के चाहिए बताओ वो बताओ फलाना ढिमकाना, एक सोच बनने के बाद मैं समझ पाया कि ओ ये कैसे एक कोडेड चीज़ है, क्योंकि कविता के रूप में लिखा है तो कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो कोडेड ही हो जाता है। उसको डिकोड करने के वो तरीके भी हैं जो आधे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, आधे ज़्यादा एक्चुअली, और उसको डिकोड करने का तरीका वैसा भी है जैसे आप माइथोलॉजी को डिकोड करते हो। हाँ, उसमें से अच्छी चीज़ें आप लो कि लाइफ के बारे में ये बोल रहे थे। हाँ, तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनता है एक टेक्स्ट के साथ कि भाई ये ऐसा है। मेरा कहना ये है कि भाई आप जो है ना, जब आप अपने बयानात कर रहे हैं, आप जब नमाज से पहले बयान कर रहे हैं, आप उसमें पढ़े लिख की बातें करो ना, आप आदमी को ये समझाओ ना कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ना है, बेहतर लाइफ में आपका बदन आता है, आपकी आँखें, आप आते हो, आपका समाज आता है, आपको वहाँ से आपको ट्रेन करना शुरू करना है ना। आप यहाँ पर एक आदमी आके बैठा, उसको सीधे कनेक्ट कर दिया कहीं रैंडम जगह, उसे पता भी नहीं कि आपने मुझे कहाँ कनेक्ट कर दिया, एक कुछ वो सोच के कि हाँ कुछ होता है पे वो आदमी कि भाई ये तो लाइफ का पैटर्न है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे रोज़े रखने हैं। तो आधा आदमी तो भूखा है रोज़े में, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मोटे तौर पे मतलब वही कर्मकांड हो गया है, कर्मकांड हो गया, रिचुअल बन गया है बेसिकली सब कुछ। आप ये नहीं समझ रहे कि उसका रीज़न क्या था, क्यों करा गया होगा, क्या वक्त था, कैसे क्या चीज़ पनपी, क्या डेवलप हुई, उन सबको दरकिनार करके आपने वो बना दिया। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि आप जो किसी तरह से, अरे इसकी याददाश्त अच्छी है इसे ना हाफिज़ बना दो, हाफिज़ मतलब जिसको कुरान याद होता है पूरा, वो इमाम बनते हैं। तो उसके बाद एक आलिम बनने के लिए एक और कोर्स होता है, वो करते हैं आप, 11 साल पढ़ते हैं तो आप आलिम बन जाते हैं, आपको हदीस शरीयत भी पता होती है, जो भी सब दुनियादारी। तो अब बात ये है कि आपने याददाश्त अच्छी है में डाल रखा है, ठीक है, आप जो बच्चे का प्राइम है मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट का, उस टाइम पर आप उसे बस आपने लगा दिया है कि वो रट ले, मतलब उन्हें पता नहीं होते आधे ज़्यादाओं को कि इसका मतलब क्या है, अरबिक में है इसका, हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये बात उन्हें पता नहीं है। अब हो ये रहा है कि उनको भी याद हो गया कहीं से, उन्होंने उसके बाद कहीं किसी ने तर्जुमा बता दिया, तो जो एक तर्जुमा सा बता दिया वो मान के चल रहे हैं अब यही परम सत्य है। अब वो ये बात ही नहीं समझ पा रहे कि भाई जब ये लाइन यहाँ आती है, वो लाइन वहाँ आती है, इसका मीनिंग कुछ अलग निकल सकता है, इसको ऐसे करा जा सकता है, अब उन्हें पता ही नहीं है। वो बन गए लीडर, क्योंकि रिलीजियस तौर पे यही समझाया जाता है ना कि जो रिलीजियस लीडर है वही आपका लीडर होगा। तो अब मोहल्ले में जो वहाँ के इमाम ने बोल दी बात, वो पत्थर की लकीर है, सब कुरान शरीफ में फलाने की ऐसे ऐसे बोल दी। अब आयत किसको याद है, बाकी आदमी को थोड़ी आयतें याद है, उन्होंने बोल दिया कि भाई इस वाले उसमें कुरान में ये वाली आयत आती, आदमी ने मान लिया कि भाई आती होगी, वो सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा ये भी नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ सही पढ़ रहे होंगे। पॉइंट ये है कि आपका जो लीडर बनाया आपने, उसी आदमी के पास एजुकेशन की और नॉलेज की कमी है। तो अब कैसे आपकी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी, आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज आपका बेसिक लाइन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी के साथ रिश्ता जो है वही उसका मुकम्मल नहीं है। तो वो आपका कैसे मुकम्मल कराएगा समाज के साथ रिश्ता। तो समझ रहे, ये सारी चीजें होती हैं, बाड़े बंदी हो गई एक किस्म की, तो उसको तोड़ना ना, या उसके अंदर ही ऑपरेट करते हुए एजुकेशन पे बात करना ये जरूरी है। आपने जो बच्चे बाकी हैं आपने बस वो बना रखा है, खैर वो तो हमारे देश के हर लेवल पे ही प्रॉब्लम है। वो जो उदय प्रकाश जी बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ स्कूल तो नौकर बनाने की मशीन है,
बेसिकली. तो आपने अपने बच्चों को भी वो कर रखा है, या आपने क्या टारगेट कर रखा है कि मेरा बच्चा जो है किसी तरह से ऐसा कर दे कि इसकी नौकरी बहुत बढ़िया कमाल की लग जाए. आपको बड़ा डर लगता है, पर आपकी जिंदगी की सफलता भी उसी से मापी जाती है. आपको मजा कितना आ रहा है काम करने में, वो उससे नहीं. और जबकि मेरा तो साफ ये कहना है कि भाई अगर आपको मजा आ रहा है, आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप सक्सीड करोगे ही करोगे. पैसे के मामले में भी आप किसी भी लेवल पे मैं बोलूं तो आप करोगे, क्योंकि भाई आप जब कर रहे होते हो तो अब आपको मजा आ रहा होता है. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है यार, जो आदमी बोलता है कि काम के बाद अब मुझे रिलैक्स करना है. हमारा तो काम ही रिलैक्स करने का है. हमें तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय तब कर रहे होते हैं जब काम कर रहे होते हैं. तो आप हमसे 24 घंटे भी काम कराओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. यहीं पर वो ऑफिस में कह रहे भाई तुमने वो करा क्या, वो आदमी बॉस के जाते मुंह बना रहा है, कह रहा है यार अब ये एक और काम दे गया. आप इस पैटर्न में खुद अपने बच्चे को डाल रहे हो. आप उसको पहले से ही कुंठाएं दे रहे हो. आपने पहले उसको पूरी ज़िंदगी इसमें रखा कि फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, फिर उसके बाद अब इस वाले में एडमिशन ले लो एंट्रेंस क्लियर करके, अब ये हो गया, अब नौकरी करो, अब वहाँ बॉस से बना के रखना. वो एक डर 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 डालते गए. अब जब वो बड़ा होता है तो उसको ये बोल दिया कि भाई 30 साल की उम्र तक तुम्हें शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी, तब तक एक गाड़ी होनी चाहिए, घर की EMI बांध लो. अब वो आदमी घर की EMI बांध लेता है 30 साल की उम्र में, जो थोड़ा बेटर कर रहा है. 50 साल की उम्र तक वो आदमी EMI भरता रहता है. जब तक उसे होश वोश आएगा तब उसकी रिटायरमेंट की एज है. तब आदमी बोलता है भाई अब तो जैसी ज़िंदगी जिए बहुत अच्छी है, ऐसा कर लो नौकरी के पास घर रखो, पास में जो है एक मेरे को धार्मिक स्थल होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो हो. सुबह चले जाते हैं वहाँ पे, आके माथा टेक लेते हैं अपने काम से. हम तो भाई दोपहर का खाना घर पे खाते हैं. एक तो ये एक एटीट्यूड जो है ना, ये बहुत डेवलप होता है कि भाई हमारा तो भाई दोपहर का खाना हम तो अपने घर पर खाते हैं, बहुत बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारा घर है. ये कोई हाई होने की बात ही नहीं है. आइडिया अगर देखा जाए तो आदमी बोले कि ये कोई इतनी मौज वाली बात नहीं है कि अरे वाह आपका घर इतने पास है कि आप दोपहर का खाना घर पे खाते. आइडियली ये है कि जो हमारा काम है हम उसे पूरी तरह एंजॉय करते हैं. ये नहीं हो रहा तो यही सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट में, और वही सारी सोसाइटीज़ में, मतलब अभी हमने मुस्लिम का एग्जांपल उठा के उसको थोड़ा सा बात कर ली, पर वही बेसिक तौर पर ना पढ़ाई करवानी है और दुनिया बाकी चीज़ें पढ़वानी है यार. मतलब ये ना किताबों से जो कोर्स, सिर्फ नौकरी के वास्ते या डिग्री के वास्ते मत पढ़ो उससे कोई पॉइंट नहीं. आप ये सब बातें कर रहे हैं, मेरी मेज पे अभी डिलीवर हुई किताब रूपा पब्लिकेशन से छपी है, आरिफ मोहम्मद खान की कुरान पे बुक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके. इट्स अ वंडरफुल बुक, आई हैव हर्ड एंड आई एम गोना रीड दैट. तो सराहने किताबें तो होनी चाहिए. जैसे अभी मैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुए हैं, गांधी परिवार के बड़े खास थे, माखन लाल फोतेदार, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी वो मेरी छूटी हुई थी चिनार लीव्स. तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में कि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा अच्छा मेरे बाद कौन, तो उन्होंने कहा इन दो लोगों के बारे में मैसेज करो. उसमें एक थे प्रणब मुखर्जी, दूसरे पीवी नरसिम्हा राव. ये बात है 1980 की, 1980 की बात है, वो जीत के चुनाव आई उसके 6 महीने बाद. तो उन्होंने असेसमेंट दिया, उन्होंने एक नाम अपनी तरफ से जोड़ दिया आर वेंकट रमन, फिर तीनों नाम दुरुस्त नहीं थे. फिर उन्होंने कहा मैडम की मंशा क्या है ये नोट तैयार करने के पीछे, तो साहब वो राजीव को लाना चाहती हैं, तो राजीव का नाम पिच हुआ. फिर मंत्रियों को पहले ब्रीफ किया जाता है, तो वो जो पूरी मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, सामने क्या कहा जा रहा है, पीठ पीछे क्या, कि नेताओं ने पैसे दिए उपचुनाव के लिए तो उन्होंने लौटा दिए, इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिए एक दो ने टाटा वगैरह ने रख लिए. तो उनका ऐसा क्यों, तो उनका देखो इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसा दे रहे हैं ये बड़ा मामूली पैसा है उनके लिए, ये बाई इलेक्शन है ना, वो गुडविल में दे रहे हैं, वो हर इलेक्शन में देते हैं, वो बदले में नहीं जाएंगे. उन्होंने 1 लाख दिया ये बोले, ये जो नेता पैसा लेके आए ये हमारे नाम पर लेके आए हैं, पता नहीं कितना लेके आए. तो ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं. और उसमें क्या होता है कि जो जात होती है ना नेताओं की, जिनके आप समर्थन में भी, उनको आप हीरो बनाना बंद कर देते हो, आपको इंसान लगते हैं. पर अगेन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता. आप काम की बात कर रहे थे, काम और काम के मज़े की. आपका काम है एक्टिंग, अभी आपकी एक वेब सीरीज आई है रंगबाज 2. ये OTT प्लेटफॉर्म्स आने से एक्टर्स की ज़िंदगी पे किस तरह का फ़र्क पड़ा है, चॉइस, पेमेंट, काम की क्वालिटी? मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है एक्टर्स के लिए. मतलब मेरा OTT से जनरल एक पहले शिकायत थी, जो अभी थोड़ी सी बेटर हो गई है. किस तरह की शिकायत थी? कि हम ना वही भरे बैठे थे इंडस्ट्री वाले, तो उन्होंने पहले 2 साल में ना गुस्सा निकाला अपना कि अच्छा कोई सेंसर नहीं है, डाल सेक्स, डाल गालियाँ, डाल वायलेंस. तो सिर्फ इसी पे, तो कई बार स्क्रिप्ट्स आती थी, कुछ हैं स्क्रिप्ट वो सक्सेसफुल भी हैं, पर मेरे पास आई तो मैं ऐसा था कि भाई एक सेकंड रुक जा क्या हो गया,
क्यों बिना बात के इसमें इतना नंगापन? और मुझे कोई आपत्ति नहीं है गालियों से, नंगेपन से, किसी चीज़ से, पर अभी ना मुझे खुद दिख रहा है कि तुम क्यों डाल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है कि हम डाल नहीं पाते थे फिल्मों में सेंसर की वजह से, अब हम सब डाल देंगे अब तो। हाँ, तो अभी जो है ना, एक तो वो बहुत बैलेंस हो गया, प्लस OTT का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि OTT बहुत बहुत सारा काम है OTT पे, तो हो ये रहा है कि वो जो नंबर ऑफ फिल्म्स और उसके साथ के जो कैलकुलेशन होते थे ना, वो सारे बहुत कम हो गए, तो अभी बहुत सारे एक्टर्स को आराम से काम मिलने लगा है। तो एक तो पैसे के तौर पे भी मैं बोलूँगा कि एक्टर्स के लिए ये बड़ी आसानी हुई है कि फिल्मों के मुकाबले पेमेंट बेटर होता है। अगर आप मान लीजिए एक आप एक एक सीरीज़ के एक सीज़न में हैं, 8-10 एपिसोड में हैं, तो वो एक फिल्म करने के मुकाबले बेटर होता है पेमेंट? वो थोड़ा सा देखिए, मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ, वो डिपेंड इस तौर पे भी करता है कि कौन एक्टर है। जनरली जो फिल्म एक्टर्स हैं, मतलब जैसे मैं जब फिल्म से OTT पे जा रहा हूँ, क्योंकि OTT नया प्लेटफॉर्म है, उसको मुझसे हल्का सा कुछ ये हो सकता है कि पुश मिल सकता है, चेहरा जाना पहचाना है, वो है, तो मेरा पेमेंट जो है वो थोड़ा जो है उससे बेटर होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि दे रहे हैं, पर उससे बेटर होने की संभावना होती है। कम लड़ाई पे आपको उतना पेमेंट मिल जाता है जितना आपको फिल्म में थोड़ा सा लड़के लेना पड़ता है, वाली बात। तो लेकिन बाकी जो हैं, बाकी तो वही है कि वो लोग जितने कम पैसे में करवा लें, जो नया आदमी है उसके लिए उनको वो है कि भाई आपको हम चांस दे रहे हैं फलाना ढिमकाना, तो वो तो प्रोडक्शन हाउस का काम है ना, सबको चांस ही खून पीना। तो वो दो चार पांच हमको ऐसे वाक्य बताइए जो ये क्या मैनरिज्म होता है ये, क्योंकि जैसे हमारे दोस्त हैं हिमांशु वाजपेयी, किस्सा गो हैं, दास्तान गोई करते हैं, तो वो भी ऐसे बोलते हैं, उनको कोई कॉल करता है, अच्छा पेमेंट, बोलते हैं अरे हम तो कला के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं। तो ये पैसे नहीं है वाला जो टेक चलता है आयोजकों का, प्रोडक्शन हाउसेस का, साहब इसने तो जिंदगी मुश्किल कर रखी है, ये पैसे नहीं है वाला ना। किस किस तरह के आते हैं ये? यार एक ना मुझे बड़ा अद्भुत सा वो याद है, मतलब क्योंकि मैं तो अभी एक पॉइंट के बाद मैंने मैनेजर रख लिया था ताकि ये रायता करना ही ना पड़े लाइफ में, तो मेरा तो मैनेजर काफ़ी बेचारी लड़ती रहती है। पर एक ना मेरे एक दोस्त का आया था, वो मेरा नहीं है, मेरा एक दोस्त था आलोक, हम वैसे ही बैठे हुए थे साथ में शुरू के दिनों की बात है, तो उसको ना एक फ़ोन आया, कुछ एक दिन का काम निकला उसका, एक दिन के लिए ऐसा है वैसा है, तो फ़ोन पर ही बात कर रहा था, तो दोनों तरफ की कॉन्वर्जेशन ये हो रही है कि वो बोल रहा हाँ सर ये आपका ये रोल फाइनल हो गया है, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे बोलते हैं, ऐसे आपको लगता है कि बस ये हुआ फिर तो लाइफ सॉर्टेड है। तो उसने बोला कि हाँ थैंक यू। तो उसने बोला तो सर इसमें पेमेंट की बात कर लें क्या? तो उसने बोला हाँ बताइए अभी करनी है कैसे? उसने बोला वही है सर, लेकिन ना बजट बहुत कम है। तो ये एक बेसिक लाइन होती है। मेरे दोस्त का रिप्लाई बहुत अच्छा था उसमें, उसने कहा साहब मुझे आज तक एक भी फ़ोन ऐसा नहीं आया जब लोगों ने बोला हो कि साहब बहुत बजट है मुंह खोल के पैसा मांगो। उसने कहा आता यही है। तो आप किसी भी फिल्म में काम कर लो, किसी भी उसमें कर लो, ये बजट नहीं है का एक रोना जो है वो हमेशा रोया जाता है, जिसमें ना ये लोग इतनी बेसिक बात नहीं समझते भाई कि आप अगर सही बजट से और एक्टर को खुश रखते हुए आप अगर करोगे, हमारे यहाँ विजुअल मीडियम वाली फिल्में तो बन नहीं रही, हमारे एक्टर वाली ही फिल्में बनती हैं, किरदार, उससे कनेक्शन, बातचीत चार लोगों की, आप अगर उन्हें रखोगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप अगर वैसे 50 कमा रहे होंगे तो अगर आपकी फिल्म बढ़िया बन जाएगी तो आप 80-90 कमा सकते हो। तो ये वाली कैलकुलेशन ना समझते हुए ना लोग बस पैसा कम है इसी बात पर लगे रहते हैं। एक फ़ोन तो मुझे डायरेक्टली आया, वो मुझे सीधे पहले पैसे बोला कि फलाना ढिमकाना इतने पैसे हैं। मैंने कहा भाई किस बारे में फिल्म है, क्या रोल है, क्या कर लो? नहीं, पैसा डन है। तो इन लोगों ने ना पूरा वो बना रखा है कि पैसा नहीं देना। और एक वो बड़ा ख़तरनाक है यार प्रोडक्शन के साथ ना, जो मुझे जो हमेशा परेशान करता है, आपकी ना वो एक बड़ी बारीक सी लाइन है शराफत की और बेवकूफ़ होने की, बड़ी एक थिन लाइन है, आपको ना वो हमेशा ना उस लाइन पर ना पुश करते रहेंगे कि अच्छा आज ही आया सुबह इसको हल्का सा चेक करता हूँ कि सर आज के लिए वैनिटी शेयर कर लेंगे क्या? तो अगर आदमी ने ऐसा कर दिया ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं कितनी देर के लिए, सुमला 2 घंटे के लिए, अब आप जब आओगे तो रोज़ वैनिटी शेयर होगी साहब आपकी, वो आपको पुश करते रहेंगे कि खाने में सब ये कर लें क्या, होटल पे सब ये कर लें क्या, वहाँ पे ये कर लें। वो ना ये कॉर्नर कट करने वाला जो है वो एक्टर के ऊपर इतना डाला जाता है, और वही आपको दिखता है राइटर में कि नया राइटर है उसको पैसे मत दो। हमारे यहाँ जो सही जिन लोगों पे लगाना है उन लोगों पे पैसे नहीं लगा रही है, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि राइटर को सबसे ज़्यादा देना चाहिए, बिकॉज वही
आइडियली सबसे ज्यादा राइटर को मिलना चाहिए भाई, वही तो दुनिया बनाता है। पर आपने राइटरों को तो, और ये वो दिखता है अब फिर भी बहुत बेटर हो गया, आई थिंक पिछले दो साल में ना सडनली थोड़ी सी ना एक राइटर्स की रिस्पेक्ट आना शुरू हुई है। जैसे आपने आर्टिकल 15 की, तो अनुभव और गौरव ने वो फिल्म जिस तरह से लिखी, मैं अभी न्यूज़ रूम में दर्पण वगैरह सब लोग बात कर रहे थे, तो वो एक स्टोरी कर रहा है कि यार 2019 के डायलॉग्स पे मुझे करना है। तो मैंने कहा यार वो वाला ज़रूर लेना जिसमें वो निषाद कहता है कि हम गौरव प्रेम नहीं कर पाए, और वो जो पूरी बातचीत है पाँव डुबो के और नाला, वो कितनी मार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब मेरा पर्सनल बायस ये है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई फिल्म एक बार में पूरी समझ में आ जाए, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई किताब, कोई कविता, कोई बात एक बार में पूरी समझ में आ जाए। इसे आप मेरी कमअकली कह सकते हैं, या वो तरफ कह सकते हैं कि इसकी कई लेयर्स हैं। जैसे वो फिल्म हो, हम कई कविताएं पढ़ते हैं भवानी बाई की, सर्वेश्वर दयाल की, तो वो हर बार एक नया चीज है। अच्छा, इसमें तो ये बात भी निकल के आ रही है, तो ये तो राइटर वाली बात हो गई। फिल्म में किस तरह के रोल आते हैं, कुछ ऐसा टाइप कास्टिंग है क्या कि अच्छा ये हीरो के भाई वाली जो बात है, हाँ, हीरो का दोस्त, हीरो का दोस्त, जीरो में आप शाहरुख के दोस्त बने और रांझना में आप मुरारी के दोस्त बने, उसके कुंदन के दोस्त बने। मैं तो वो बन गया, मैं तो एपिटोम हीरो के दोस्त का। अब मुझे कोई फोन करता है तो मैं कहता हूँ कि अब कुछ बचा ही नहीं है साहब हीरो के दोस्त में एक्सप्लोर करने को, आप मुझे क्या बता रहे हो। शाहरुख का दोस्त बन गया, मैंने मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मैंने ही करे, अपार शक्ति से भी ज्यादा। हाँ, अपार ने कितने करे पता नहीं, पर दूसरी में वही आजकल अपार आजकल कर रहा है ना। हाँ। मैं तो, आप देखिए ना, मेरे ब्रदर की दुल्हन, हाँ, मेरी दूसरी फिल्म थी, ठीक है, मेरे ब्रदर की दुल्हन, उसके बाद मैंने करी जन्नत 2। हाँ। उसमें मैं था हीरो का दोस्त, फिर करी मैंने रांझणा। हाँ। उसमें हीरो का दोस्त, तो बहुत सही दिखा, ठीक है, फिर अब बीच वाले, अरे ये भी तो थी कंधा। हाँ, नहीं चली इसमें, फिर भी मैं हीरो का दोस्त नहीं था। हाँ, मतलब उसमें तो एक प्रोडक्ट, हाँ, इसमें कम से कम, हाँ, एक अपना, एक उसका किरदार था, एक अपनी दुनिया थी। उसके बाद जो ये तीन आ गई लगातार दोबारा, रईस, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो, तो मैंने 6 कर लिए साहब, कोई मजाक नहीं है, और अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों में। और अपनी जान हमेशा वही कोशिश लगी रही कि रुक जाओ यार कुछ अलग, बड़े बड़े हीरो के दोस्त बने, मतलब शाहरुख और शाहरुख आमिर के भी बन गए, मतलब हर तरह की दुनिया एक्सप्लोर कराए। हाँ। तो ये तो उसके बाद ना आदमी की सोच नहीं चलती, आदमी सिर्फ इतना ही सोचता है कि हाँ ये साइड में इसको खड़ा कर दो, तो अगर आदमी वैसे भी देगा तो भी साइड में खड़ा होने वाला। अच्छा, हीरो के दोस्त में आजकल ये 2-3 चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। बात क्या है भाई, ये तो अब ये तो आपको फिल्म देख के समझ, जैसे वो जो चूचा बनता है वरुण, क्या नाम है उसका, हाँ, वरुण शर्मा, हाँ, तो थोड़ा कॉमिक हीरो का दोस्त है तो वो दे दो। इमेजिनेशन नहीं है, बेसिक बात ही है, मैं बताऊँ आपको, एक आदमी को जिस किरदार में देख लिया, अब वो मानते हैं ये ऐसे का ऐसे ही उठा के अपनी फिल्म में डाल देते हैं। उन्हें ना ये नहीं है कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो इंटरेस्टिंग एक्टर होगा, इसको कुछ एक्सप्लोर करते हैं, इसको वहाँ डालते हैं। इतना सिंपल पैटर्न है यार, मैं बताऊं आपको कितना सिंपल पैटर्न है। आप देखो, ये तो हो गया, मैंने बताया दोस्त का, मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार अब ना बस हीरो का दोस्त नहीं, पार पा गया मैं, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा तो अब मुझे किसी का भी फोन आया, मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ खड़े होना, मैं कहा नहीं भाई नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आप एक सीन का रोल दे दो, कायदे का रोल दे दो, करेंगे ये वो। उसी के चलते में आर्टिकल 15 आती है, आर्टिकल 15 आई, वो 2 ही सीन हैं पर 2 सीन क्लिक कर गए, लोग कनेक्ट कर गए, और जो भी जैसा भी रहा, रिव्यूज भी अच्छे मिल गए, सब 10 तरह की बातें। पर अब आप देखो इमेजिनेशन की कमी, अब मुझे यूथ लीडर के ही आ रहे हैं, तो अब उनको ये नहीं लग रहा कि अच्छा ये हीरो का दोस्त भी कर लेता था, बाकी भी 4-5 तरह के किरदार करे हैं, एक थोड़ा अथॉरिटेटिव किरदार दिया तो वो भी निभा गया, तो एक्टर अच्छा होगा, इसे कुछ और दे दें। अब इस गांव ये यूथ लीडर नेता बहुत बढ़िया, आपने बोले भाई क्या हो गया यार, मैं एक्टर हूँ, कुछ आप मुझे अलग तरह का काम दें तो मैं कुछ करना चाहूँगा, उसमें कुछ एक्सप्लोर करना चाहूँगा। किस तरह का काम, टेल मी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू राइट समथिंग, किस तरह के रोल जीशान करेंगे? मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ सर, मैं हमेशा ना वही बोलता हूँ कि जो मुझे ना बताओ, मुझे मजा तो तभी आएगा ना अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे ना ऐसा रोल चाहिए। तो ऐसा रोल तो फिर बताइए मुझे, कुछ ऐसा ना कि आप पढ़ते, जैसे मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं हीरो का दोस्त था, पर मेरे साथ ये पढ़ते रांझणा जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, तब मेरा हुआ था ये कि सडनली ना ऐसा कैरेक्टर होगा, और मेरे बहुत शुरुआती दौर ही था वो, उससे पहले 3 ही फिल्में करी थी, पर जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुरारी का कैरेक्टर पढ़ के मुझे एकदम से लगा था कि यार
ये तो कुछ अलग हो रहा है, ये मैंने ना करा नहीं है इस दुनिया का कुछ काम। तो उसने मुझे एक्साइट किया, मुझे एक्साइटमेंट हुई कि हाँ मुझे ना कुछ इसमें कुछ देना है, कुछ करता हूँ इसमें, कुछ कुछ अपनी तरफ से डालूंगा या कुछ बनाऊंगा इसका। जैसे अब लोग बोलते हैं कि भाई क्या करना चाहते हो, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि कोई बायोपिक्स के तौर पे, पर वही यूथ लीडर वाली बात आ जाती है, पर जैसे मैं सफदर साहब के, सफदर हाशमी के ऊपर अगर कोई फिल्म बना रहा हो तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। मेरा पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और उर्दू शायरी में भी है, तो कोई बीच में बात हो रही थी पर अभी तो कोई कर रहा है। वैसे साहिर साहब का रोल मेरा करने का बड़ा दिल था, इनके जो लाइफ का वो है। मजाज साहब के ऊपर अगर कोई कुछ कर रहा हो तो आई वुड लव टू डू दैट। या फिर चंद्रशेखर जो JNU का स्टूडेंट लीडर था, उनके ऊपर अगर कोई चंदू पे महेश भट्ट ने एक अनाउंस की थी फिल्म पर, हाँ पर कुछ हुआ नहीं उसका। हाँ तो वो अगर वैसा कुछ हो तो डेफिनेटली, मतलब जिन लोगों से, जिन लोगों के चीज़ें पढ़ के, जिन लोगों के काम से इंस्पायर हुए, जिनकी लाइफ के बारे में पढ़ा और आपको लगा कि अरे यार बहुत ही कमाल की ड्रामेटिक लाइफ थी, दैट इज़ देयर। पर मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा रोल आए जो मैं एक्सपेक्ट ना कर रहा हूँ, जो कुछ ऐसा हो कि आपको अपने आप को चैलेंज करना, एक नई चार्ट, जो मेरा आर्टिकल 15 में भी हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आर्टिकल 15 का जो कैरेक्टर था, क्योंकि दो ही सीन में काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत थी, मतलब अगर उसकी मौत पे ऑडियंस कनेक्टेड फील नहीं कर रही, उनको एक लॉस की फीलिंग नहीं आ रही, तो एक्चुअली देखा जाए तो पूरी फिल्म की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जो है मुंह के बल गिर जाती है। अगर जैसे आप एम्पैथी क्रिएट नहीं कर, हाँ अगर उस कैरेक्टर के लिए नहीं, जैसे कई लोगों ने वो वाली बात बोली ना कि इस फिल्म में अयान रंजन जो आयुष्मान ने कैरेक्टर किया वो इसका प्रोटैगनिस्ट था, पर इस फिल्म का हीरो जो है वो निषाद था। आप जिस पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और उसके साथ वो आना जरूरी है। तो अब अगर मुझे पता चलता है कि यार मुझे ना दो सीन में जो है ये लाना पड़ेगा, और इस तरह का कैरेक्टर मुझे कभी मिला नहीं है, मैं इसकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं कहीं, तो अब मेरे लिए भी ना एक कुछ नया करने के उस पर आती है। तो मैं भी अपने फिर पुराने डब्बे खोल के, अब अपने औजार औजार निकालते हो गए, हाँ भाई अब बताओ क्या करें इसके साथ, कैसे बनाएं, फिर आपका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू होता है कि अच्छा इसका लुक कैसा रखा जाए, इसमें वो क्या करा जाए, बोलने के तरीके में क्या रहे, कितना रिलैक्स हो नहीं हो, कैसे बात किया करेगा, आँख में देख के बात किया करेगा, इग्नोर करके बात, देन आपका दिमाग चलना शुरू होता है। वल्नरेबल होगा तो कितना वल्नरेबल होगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, फिर आप ना और उसको पेंट करना शुरू करते हो, वो कैनवस जब आपको मिलता है। तो बात वही है कि अगर आप मेरे आते ही अगर आप वैसा मुझसे बोल दोगे कि अरे यार जैसा जीरो में किया था ना वैसा सा कुछ कर दो, तो मैं बोलूँगा ना भाई अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ पैसा कितना दे रहा है भाई, हाँ बहुत अच्छी बात है, ये पैसा पीछे से भिजवाता रहे, हाँ ऐसा ले नहीं लाइन, हाँ ले ले, तो क्योंकि आपने आप मुझे भी बोर कर रहे हो, पर ठीक है घर चलाना है तो कुछ कुछ काम आप ऐसे साइन करते हो कि चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो बात वही कि कुछ ऐसा है कि लगे ना यार कि अच्छा ये कैसे होगा। एक बार को मेरा साफ मानना है यार, देखो एज एन एक्टर कि अगर मुझे रोल पढ़ के एक बार को ये ख्याल नहीं आया ना कहीं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में तो फिर ना वेस्ट है। दिशान ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब आप जब जवाब दे रहे थे तब ख्याल आया कि चूंकि आप थिएटर करके गए हैं है ना, तो आपने एक्टिंग को चुना है, पर मुंबई में बहुत सारे लोग हैं एक्टिंग ने जिन्हें चुना है, चूंकि उनके नाम के आगे कुछ लगा है या उनके पापा कुछ हैं या यू नो, तो वो तो वो भी ऐसे सोचते हैं कभी आपकी उस, आई एम श्योर उसमें भी कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स होंगे हैं, मतलब रणबीर वगैरह तो मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, आलिया रणबीर कपूर ये लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कभी इस तरह के क्राफ्ट में बात होती है, जैसे मेरी एक बार पंकज त्रिपाठी से बात हो रही थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर उन्होंने कई एक्टर्स के बड़े रोचक किस्से बताए कि उनके हाउ दे लुक एट सिनेमा। आपका कभी इंटरेक्शन होता है इस तरह का? मेरे बहुत कम हुए ईमानदारी की बात, मैं ऐसी दुनिया में घुसता ही नहीं। मुझे तो एक वो तो अद्भुत था, उसके बाद तो बड़ा खेल भी बना था, मैं ना फिल्म बताऊंगा ना एक्ट्रेस बताऊंगा। एक एक्ट्रेस के साथ वैसा वाला चला था एकदम कि कुछ सीन वीन हुआ और मैंने ना, मैं बहुत कम, मतलब मैं ना लोगों को लगता है मैं बदतमीज़ हूँ पर मैं थोड़ा ना शर्माता हूँ, तो लोगों से बात करते हुए ना तो मेरा ना ऐसा होता है कि कोई हाई वाई भी बोलते हैं ना तो हल्का सा हाई करके ना मैं साइड हो जाता हूँ। मुझे बाद में पता चलता है दोस्ती होने के बाद कि वो सोचते थे यार बड़ा एरोगेंट आदमी है,
कि अच्छा एक्टर है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसा वाला। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं शर्माता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं क्या बात करूँ। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ शॉट फलाना ने कहा ना, कुछ मुझे अच्छा लगा शॉट देखा था मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैं ऐसी कुर्सी डाल के बैठा हुआ था, बगल में कुर्सी डाल के वो बैठे, और उन्होंने जो एक्टिंग का पूरा ज्ञान शुरू किया कि कहाँ से कैसे होती है एक्टिंग, शुरुआत कैसे होती है वो, तो मैं ना सन्नाटे में ही आ गया कि दीदी आराम से हल्का हाथ रखो, एक शॉट की बात हुई थी, ये पूरा जो ज्ञान का भंडार आ मेरे ऊपर उड़ेल रही है ये ठीक है नहीं। अब चार पांच लोगों ने सुन लिया, उनको मौज आई, खैर बाद में इसका खूब खेल भी बना गया, और भाई क्या टिप्स मिली हैं बताओ करके कुछ तो सीख के आए हो। और उसमें ना सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई लोगों को जो जनरली भी बात हुई है, कई लोगों के साथ काम नहीं भी हुआ वाले में कई कई लोग मिल जाते हैं, एक ना बड़ी बहुत भारी गलतफहमी है लोगों को एक्टिंग को लेके ना। और मेरा मानना है कि एक्टर तो जनरली जितने से मैं मिला हूँ ना, एक हल्के डाउट में रहता है हमेशा, सेल्फ डाउट में, क्योंकि आप अपना एक वल्नरेबल पार्ट सामने रख रहे होते हैं, तो आपको ना हमेशा रहता है कि यार सही है नहीं है, सही हुआ या नहीं हुआ, एक ना वो वाला एक रहता है। मैंने ज़्यादातर एक्टर जितने से बात करी है उन सबको लगता है कि हाँ हल्का सा ये सही, पर वो होता ज़रूर है कि आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हो, पर आपको फिर भी होता है कि यार ये बैठा ही नहीं बैठा है, बिकॉज यू आर रिस्किंग समथिंग या कुछ भी वट एवर। इन लोगों का अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है साहब, मतलब अलग लेवल का, उन्हें ऐसा लगता है कि एक्टिंग सॉर्टेड, ये हमें पता है। आदमी बोलता है यार गुड फॉर यू यार, आपको इतना पता है, इतना कॉन्फिडेंस है अगर लेके, और फिर वही होता है, फिर आपको वही पॉइंट पे दिखता है, आपको रिपीटिशन दिखता है, अगर किसी एक तरीके में अच्छे भी होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये बेसिकली एक एक्टिंग का झूठ सा बनाया हुआ है जिसको मेंटेन करके बस चला जा रहा है। तो है, बहुत बहुत पंगे हैं यार, मतलब एक्टिंग को लेकर तो आप बात ही मत करो। कितनी दफ़ा आपको आपकी आवाज़ के पीयूष मिश्रा के साथ सामने के बारे में बताया गया है? आई थिंक इस सवाल पे कुछ 28,923 हो गया होगा ये मेरी आवाज़ जो है वो। कभी आपने और पीयूष भाई ने इस पे बात की? हाँ, तो एनएसडी के भी मैंने कर ली। हाँ, मुझे करनी पड़ी। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया पीयूष भाई, इतना क्या हो रहा है? आप मुझे नहीं पता यार, लोग बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ यार कुछ तो, पर मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि अच्छा कई जगह पे ना सेंटेंस छोड़ते टाइम खासतौर पे जो है मेनली सिमिलैरिटी आ जाती है। सेंटेंस छोड़ते मतलब जो वाक्य के बिल्कुल अंत में जो, हाँ जो आखिरी का पार्ट होता है, हाँ वहाँ पे ज्यादातर मैच कर जाता है। जनरल तौर पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा इज इट अनोइंग आफ्टर सो मेनी रिपीटेड। हाँ मतलब इतने टाइम के बाद ना अब वो वाला हो गया कि हाँ ठीक है यार पता है यार। और खासतौर पर जब कोई आके ऐसा बताता है कि आपको पता है आपके आपको पता है, तब ना ऐसा होता है कि मत नहीं भाई हमें तो नहीं पता, तू बता, हम तो पता नहीं क्या करके जिए है। तो वो वाला ना अब जैसे शुरुआत में मेरा ऐसा होता था कि हाँ ठीक है यार हम अप्रिशिएट करते हैं पीयूष भाई को ये वो। अच्छा शुरू में तो जब मुझे बिल्कुल पहली बार किसी ने बोला था तब तो मैं जानता भी नहीं था पीयूष भाई को ठीक से, ये मैं अपनी दुनिया में छोटा सा कॉलेज का थिएटर ग्रुप वाले लेवल पे काम करते थे, ज़्यादा उस तरह से नॉलेज नहीं थी। तो किसी ने बोला अरे पीयूष मिश्रा से बड़ा मिलता है, मैंने कहा नाम सुना हुआ था पर कभी कोई इंटरेक्शन उस तरह से था नहीं। तो मैंने कहा अच्छा होगा भाई मिलता हूँ ये वो। अच्छा शक्ल भी मिलती है, ईमानदारी की बात तो ये है कि मैंने उनकी पुरानी कुछ जवानी की फ़ोटो देखी तो एक है हल्की सी अनकैनी सिमिलैरिटी है। तो ये चलता था धीरे धीरे, बातें आगे बढ़ती गईं, फिर मैंने देखा तो एक अप्रिसिएशन था सब था। पर इसमें सबसे अद्भुत वो है पीयूष भाई का, मतलब मैं गालियों के साथ नहीं बताऊँगा, मैं रांझणा ही आई थी और उसकी सक्सेस पार्टी हो रही थी। हाँ तो भाई एकदम अजीब सा हुआ हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, सब सपना सा था कि अरे ये क्या हो गया, लोग इतना कैसे बात कर रहे हैं वो। और मुंबई में पार्टी चल रही थी उसकी सक्सेस पार्टी, एक 5-star होटल में थी। फ़ोन बजा मेरा मनो नंबर से, तो मैंने कहा जाके बात कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा शांत जगह पे गया, वहाँ से सीधे हेलो मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब बोल रहा है। तो मैंने कहा जी बोल रहा हूँ, बोला इस नाचीज़ को पीयूष मिश्रा बोलते हैं। मैंने कहा हाँ पीयूष भाई बोलिए। अच्छा एनएसडी में 2-3 बार मिल चुके हैं मुझसे, उससे पहले वो रंजीत सर के साथ, रंजीत कपूर के साथ नाटक कर रहे थे तब भी आए थे, पंडित जी के साथ मिले होंगे एक बार, पंडित जी के साथ 1-2 बार मिले हैं, तो उनसे मतलब जान पहचान थी। पर वो पीयूष भाई है, पीयूष भाई भूल गए क्या बात है? तो कहा बाप तो तुम मिल चुका है मुझसे। तो मैंने कहा यार पीयूष भाई कैसी बात कर रहे हो, एनएसडी में कितनी बार मिला? तू ये बता, तू पता कैसे हो गया?
मतलब कह रहा भाई लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि आपके बेटे ने राजकुमार में बहुत अच्छा काम किया है, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी बीवी मुझ पर शक करती है कि ये कहाँ से बच्चा पैदा कर लिया तुमने। तो मैंने कहा यार पीयूष भाई कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया? अच्छा ये सब छोड़, तो घर आ मिलने आ। मैंने कहा पीयूष भाई अब ना मुझे जानते हो, आपको भी याद नहीं आ रहा, मैंने उस वाले प्ले में जो आपने पहले रोल किया था 83 में वो रोल मैंने किया अभी। हाँ मुझे नहीं पता तू घर आए। तो वो आदमी खुद अद्भुत हुआ हुआ है, बाद में फ़ोन करके बड़े खुश ये वो कह रहे बाबा तू कहाँ बोलता मेरी तरह, लोग फालतू की बातें बना रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई आपने जैसे जो कुछ सुना है, जो लोग मेरे और ज़ीशान की तरह पीयूष मिश्रा को जानते हैं उसमें बस बीच बीच में कॉमा फुल स्टॉप की जगह गालियाँ बहुत सारी और पार्श में खूब सारा कत्थई पानी। अच्छा ये प्राइमरली यू आर एन एक्टर और NSD आपकी पहली मुकम्मल नर्सरी रही पढ़ाई लिहाज से, और हम लोग बाहर से देखते हैं तो हमें सारे ही प्रोफेसर उस दौर के बड़े नामचीन से लगते हैं, साहब अजाज साहब ऐसे, रंजीत कपूर साहब ऐसे। अब जब आप फाइनली इंडस्ट्री में, जैसे कई बार हम लोग जर्नलिज्म में ये शिकायत करते हैं कि जो हमें इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है वो बहुत काम नहीं आता, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता, बहुत थ्योरेटिकल होता है वो, पर कुछ एक चीज़ें तब की अब काम आती हैं। आपको कभी कोई रोल अप्रोच करते वक्त किसी शॉट में कुछ ख्याल आया यार उस प्रोफेसर ने वो बात बोली थी, या उस प्ले के रिहर्सल में जो चीज़ मैंने समझी थी वो अभी सटीक लग रही है? सर डेफिनेटली, मतलब मैं ये इस बात पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैंने कई लोगों का सुना है बोलते हुए कि NSD का कुछ काम नहीं आया, कई लोग अच्छा। जो हाँ कई लोग फिल्मों में आने के बाद बोलते हैं, बट ठीक है उनका अपना अपनी जर्नी है। मेरे लिए मतलब देखिए जैसे मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी शुरुआत होती है प्लेयर्स से, किरोड़ीमल कॉलेज की जो ड्रामेटिक सोसाइटी है जो अपने आप में काफ़ी एक मुकम्मल काम करती है। तो मैं अगर उस तरह से बोलूँ तो मेरा पहला टीचर तो केवल अरोड़ा जो वहाँ का प्रोफेसर है इंग्लिश का और स्टाफ एडवाइज़र ड्रामेटिक्स का, वो मेरा एक तरह से पहला एक्टिंग टीचर है। तो मेरा बेस तो वहाँ पर बनता है ईमानदारी की बात, पर NSD में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मेरा अभी तक काम आ रहा है, इसमें कोई शक शुबा की बात ही नहीं है। कई ऐसी बातें, कई ऐसी छोटी छोटी एनेक्डोट्स, सिर्फ उसको लेके भी नहीं काम को लेके भी, और सिर्फ काम को लेके नहीं मतलब जिंदगी को लेके भी, मतलब ऐसे एक ना बड़ी अजीब सी बात है पर उसने ना मेरी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट कर ली। मैं अगर बताऊँ बड़ी बहुत अलग बात है, पर एक जमील अहमद नाम के एक बांग्लादेश के हमारे पास आउट ही हैं, अनुपम खेर वाला बैच जो है उस बैच के पास आउट थे, बहुत बहुत बढ़िया नाटक करते हैं, बहुत अच्छे वो बनाते हैं, हमारे बैच के साथ वो नाटक बनाने आए थे। तो वो एक्सरसाइजेज वगैरह जब बोलते हैं करने को कि ये आप कुछ लेके आइए, इसके ऊपर कुछ प्रिपेयर करके लाइए, तो वो सब हमने किया था। उनका एक मैंने कुछ करा था तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा था या जो भी था। तो मैं जो हूँ मुझे याद है मैं मेस से बाहर निकला अपने NSD के खाना वाना खा के, दोपहर में 2 बजे से रिहर्सल थी, 10 मिनट बचे थे, मैं खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था मेस के बाहर। तो वहाँ से चलते हुए आए और उन्होंने आके मुझसे एकदम से बात करनी शुरू करी कि कल जो तुमने एक्सरसाइज करी थी उसमें फलाना ढिमकाना। तो मैंने बेसिक एक लिहाज वाले तौर पे मैंने हाथ जो है ऐसे पीछे करके मैं उनसे बात कर रहा था और डिस्कशन हो रहा था, मैं बात करे जा रहा था तो हो गया था 1.5 मिनट ऐसे ही था। तो उन्होंने एकदम से बोला कि यू आर स्मोकिंग, तो मैंने कहा ठीक है मैं पीता हूँ आपके जाने के बाद। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि ज़ीशान मुझे रिस्पेक्ट दिखाने के और बहुत से तरीके हैं, मेरे सामने सिगरेट ना पीना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे इज्जत दिखाना जब तुम स्टेज पे आओगे और जिस जो जो काम मेरे लिए करोगे ना वो इज्जत दिखाने का तरीका है, मेरे सामने सिगरेट ना पीना नहीं। इससे ना मुझे काम करने के उसमें एक बहुत मेजर तौर पे ना कहीं मेरे लिए वर्क किया है कि मुझे ना चाटुकारिता से कम्प्लीटली बचा लिया। मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ से कभी किसी को उसके बाद मेरा आया ही नहीं, खैर उससे पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि अरे हाँ इस आदमी के लिहाज में ये चीज़ ऐसे मैं इम्प्रेस कर दूँ कि मैं कैसा अच्छा आदमी हूँ। इट वॉज़ ऑलवेज क्लियर कि प्रोफेशनली मेरा काम जो है, मुझे अपने काम के, अगर ये मेरा डायरेक्टर है तो मेरे पर्सनल से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं लाइफ में क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, और ये भी कैसा रहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पे मुझे उसको डायरेक्टर वाली इज्जत देनी है, उसको मुझे एक्टर वाली इज्जत देनी है। ये वैसे बड़ा छोटा लगता है पर इसने जैसे मुझे बहुत मेजरली लाइफ में एक लेसन दिया प्रोफेशनलिज्म के लिए। एक्टिंग को लेके अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक रॉब क्लेयर रॉयल शेक्सपियर अकेडमी
में काम करते थे, वो हमारे साथ प्ले बनाने आए थे, तो रोमियो जूलियट प्ले उन्होंने हमारे साथ किया था, मुझे मर्क्यूशियो का रोल मिला था उसमें। तो वो काम करते हुए जब हम कैरेक्टर वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे ना, उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन ना मेरे हिसाब से किसी भी किरदार को तैयार करने का महामंत्र है मेरे लिए। उसने मुझे समझाया था, उसने बोला कि ज़ीशान हमेशा ना जो कैरेक्टर है ये मानो कि ये कैरेक्टर तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर मैं कोई कैरेक्टर पढ़ता हूँ तो अगर मैंने ये सोचा ना कि अरे हाँ हाँ बेवकूफ़ है इसलिए बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, तो वो ना फ्लैट होने की तरफ जाते हैं, जो मैंने बाद में प्रैक्टिस करके जो मुझे समझ में आया। पॉइंट ये है कि मैं अगर हमेशा मानूंगा कि ये जो कैरेक्टर है ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आई विल ऑलवेज फाइंड सम रीज़न बिहाइंड कि उसने ये बात क्यों बोली होगी। मैं अपने कैरेक्टर की एक जर्नी, एक ग्राफ, एक उसका मेंटल प्रोसेस बनाऊंगा कि मैं तीन थॉट्स डाल के सोचूंगा कि इसने ये बात क्यों बोली होगी, रादर देन फ्लैटली कि हाँ इसके बाद तो ये बात नॉर्मली बोलता है आदमी, या बेवकूफ़ है इसलिए इसने इसके बाद ये बात बोल दी। फिर मैं उसके अंदर टोनैलिटी ऐड करना शुरू करूँगा, अगर मेरे पास कोई अलग रीज़न होगा वो लाइन बोलने का, तो फिर मैं उसके अंदर अलग टोन लाऊंगा, मैं अलग बात कहने की कोशिश करूँगा, मैं उसमें सबटेक्स्ट ऐड करूँगा और वो डेवलप होता जाएगा। तो अगर मुझे कभी भी कोई कैरेक्टर प्रिपेयर करना है तो मेरा सिंपल पॉइंट ये होता है दिमाग में कि ये जो बोल रहा है इसके पीछे कोई मतलब है, कोई भी बात थ्रू अवे नहीं होती, कुल जमा आपके व्यक्तित्व का समुच्चय होती है। और उसमें आपको अगर आपने ये मान लिया कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो आप सोचोगे, आप हर लाइन से पहले सोचोगे, खारिज नहीं करोगे सर, आप खारिज नहीं करोगे कि हाँ हाँ ये ऐसे हो गया। और जब आप ऐसे बैठते हो तो आप अपने सारे टूल्स इस्तेमाल करके उस किरदार को कुछ बनाओगे जो कागज़ से बेहतर होगा। तो ये थी, और इस तरह की मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज, जैसे अनुराधा कपूर के साथ के बहुत सारे डिस्कशंस हमारे स्पीच पे, बज्जू भाई रामगोपाल बजाज जी के साथ जो स्पीच पे कुछ बातें हुई हैं ख़ास तौर पे, वो जो है वो बहुत सीखने को मिला था। वहीं रंजीत कपूर सर का कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड टुवर्ड्स योर वर्क, क्या रहे हाँ हाँ हो जाएगा कुछ नहीं, वो आपको समझ में आता है कि वो कैजुअल एटीट्यूड जब आपके इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड के नहीं नहीं ऐसे काम करते हैं ऐसे काम करते हैं, कि साथ जब वो आता है तो वो आपको ना रिलीफ, वो एक रिलीफ होता है, वो आपको रिलैक्स करता है। तो जो मुझे जैसे कई बार अप्रिसिएशन मिलता है उसका मैं मेजर क्रेडिट रंजीत सर को दूंगा कि यार तुम ना बड़े रिलैक्स लगते हो स्क्रीन पे और उस पे ना तुम बड़ा ईज के साथ काम करते हो। ये ईज के साथ ना कि कोई परेशानी नहीं है, आराम से जाओ, तुम्हारे ही टाइम है, आराम से खड़े हो, बोलो जो सोच लिया है वो रिहर्सल से पहले, वो रिहर्सल का काम है, वो विंग्स में आने स्टेज पे आने से पहले तक का प्रोसेस है, जब आप यहाँ पे आ गए हो अब तुम्हारा है। वो तो कहते हैं फुटेज खाओ ना, वो स्टेज पे आने में बोलते थे कि फुटेज खाओ ना आराम से, टेक योर टाइम, तुम आए हो स्टेज पे, टेक योर टाइम, आराम से रिलैक्स करो, कंफर्टेबल हो, फिर आराम से बात करो। अब ये सारी चीज़ें ना वही क्यूमुलेट करते करते सारी, अगर मैं मिलाऊँ तो एनएसडी में जितने भी मुझे टीचर्स मिले, अपने बैचमेट्स मिले, जूनियर्स मिले, सीनियर्स मिले, कहीं ना कहीं से मैं पिक करता ही गया और अभी भी पिक करता रहता हूँ कि कहीं किसी की बात से कुछ मिल जाता है कि अरे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मेरे लिए एनएसडी बहुत बहुत फ़ायदेमंद वक्त था, मतलब मुझे बहुत काम आता है एनएसडी अभी भी बहुत ज़्यादा। इस बातचीत का एक सिरा मैं यहीं थाम के एक सवाल ये कि बहुत सारे नौजवान मुंबई पहुँचते हैं, वो अलग अलग शहरों में थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर मान लिए हैं, अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जहाँ पे वो ये सब सीख रहे हैं, और फिर वो मुंबई पहुँचते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं। हाउ टू डील विद इट, व्हाट्स योर मंत्रा? क्योंकि आप कोई ऐसे तो नहीं कहते ना कि मेरा बाप सो एंड सो है, खुद से बनाया। देखिए मैं बहुत क्या मतलब, जो काम मिल जाए ले लो शुरू में। बिल्कुल, मैं ये बात ना सबको समझाता हूँ कि हम ना बहुत सारा ना बैगेज लेके जाते हैं अंदर और बाहर में ना, और बाहर में भी ना, हम जो इस फील्ड में आते हैं ना, हमारा ना इस फील्ड को फिल्मों को देखने का ना नज़रिया बदल जाता है, फिल्मों में किरदार को देखने का नज़रिया बदल जाता है हमारा। मैं आपको बताऊं, जब तक आपका कोई काम, ये मैं बहुत सारे लोगों से बोल चुका हूं वहां पे बॉम्बे में, जब तक आपका कोई एक काम बम्बई की भाषा में चिटक नहीं जाता, मतलब अगर वो बैठ नहीं जाता बिल्कुल ठीक जगह पर और लोगों तक पहुँच नहीं जाता, तब तक आप उससे पहले क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास जो आ रहा है आप करिए, आप उसे अपने तरीके से करिए। मैं वहां तक, मेरा समर्थन वहां पे है जो मैंने किया था,
कि आप मुझे रोल दे रहे हैं, आपने मुझे ये दिया, पर मैं इसको करूँगा थोड़ा सा अपने तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि जो आपका बना बनाया पैटर्न है, चाहे हीरो के दोस्त पे अगर मैं बात करूं, तो जैसे जनरली उससे पहले हीरो का दोस्त प्ले किया जाता था, मुझे अप्रिसिएशन ही इस बात पे मिला था कि मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया था, मैं थोड़ी सी डिग्निटी ले आया था उन कैरेक्टर्स में। तो मेरा था कि नहीं यार, मुझे मैं ये ऐसे करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है रोल करने में। बात यह है, आपको ना अपना पर्सपेक्टिव, अपना नैरेटिव हमेशा देना पड़ेगा अपने किरदार में। और बिना बात की ना स्ट्रगल स्टोरीज पे एक तो जाने का ना कोई मतलब नहीं। बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है दुख को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बम्बई से ज़्यादा ना, ये स्ट्रगल से ज़्यादा बम्बई में कोई अब्यूज्ड वर्ड नहीं है। किस बात का स्ट्रगल? ये वाली बात है, किसी ने कान पकड़ के माथे पे बंदूक रख के बोल दिया था एक्टर बन जाओ। मैं जब आया था इस फील्ड में, मुझे मालूम था कि इसमें फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी। इस बात को इतना ग्लोरीफाई क्यों करना है कि अरे मैं जब आया तो मैं ऐसे घर में रहा और मुझे सड़क पर रहना पड़ा। ये बहुत, हमारी पूरी सिंपैथी है, आधा देश सड़क पर सो रहा है। इस बात को आप जितना नीचा करके देखते हो, आप काफ़ी, आप हिंदुस्तान के आदमी को नीचा करके देख रहे हो। तो मेरा साफ बोलना है कि भाई ये ना बिना बात के मत बेचो। मैं आया था, मेरी चॉइस थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैं पहुंचा था किसी तरह सर्वाइव करके, कैसी जगह रह रहा था सब अलग है। काम की बात करो ना, आप काम क्या कर रहे थे? और मतलब मेरा एक ना एक बेसिक वो है, मैं ये कई लोगों को बोला है कि जब भी कोई आदमी ऐसी परेशानी लेके आता ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे मैं गया था ऑडिशन, यहाँ तक पहुँचा, फिर मुझे लास्ट टाइम पे उस आदमी को ले लिया, मुझे हटा दिया, मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैंने सबको एक बेसिक बात बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले तो ना जो अपने ऊपर किताब लिख रहे हो ना, जिसमें तुम ट्रेजिक हीरो हो, वो लिखनी बंद कर दो। जिस दिन आप ये किताब लिखनी बंद कर देंगे अपने ऊपर, उस दिन आपका काम स्मूथली होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने ये मानना बंद कर दिया ना कि आप ट्रेजिक हीरो हैं, जिस दिन आपने बोला ना हम एक आदमी हूँ, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अभी यही है, इसके साथ जीना है, बाद में रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो उनके साथ जीने लगूंगा, उस दिन आप आराम से सेल कर जाएंगे। अच्छा मैं इसका ये क्यों खाऊं, मैं इसकी टपली क्यों खाऊं, मैं ये आदमी मुझे ऐसे गाली बक के कैसे चला जाएगा स्क्रीन पे, ये ऐसे कैसे कर देगा, किन चीज़ों में पढ़ रहे हो भाई? एक्टिंग आपका काम है, आप एक्टिंग करो। आप यहाँ पे जो जिस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो, वो प्रोजेक्शन तो गिनती के 10 या 12 लोग हैं पूरी इंडस्ट्री में जिनके पास ये प्रोजेक्शन है कि जो कभी, बल्कि उन किसी के पास भी नहीं है आज की डेट में। तो मतलब ट्यूबलाइट में तो मैंने सलमान खान के थप्पड़ मारे हैं, उन्होंने खाए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, हीरो भी तो थप्पड़ खाने को राजी हो ही रहा है ना। ये अजीब सी ना ईगो के अजीब इश्यूज बनाए हुए हैं, मतलब जिनका ना कोई सेंस नहीं होता। तो मेरा कहना सिंपल वही है कि भाई पहुंचो, काम करो ईमानदारी से, जो काम आ रहा है उसे उठाओ, ये बिना बात के आगे के सपनों में मत जियो, अच्छे से काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बी ग्रेड कामों में घुस जाओ और पॉन वॉन में मत जाओ, मैं वहाँ जाने को नहीं कह रहा। आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग का काम करिए, छोटा रोल एक सीन का मिल रहा है ले लो, अच्छे से करो। नवाज़ भाई के बारे में सब बात करते हैं, वासेपुर से पहले नवाज़ भाई ने हर तरह के रोल्स करे हैं ना। और आप देखिए, आप जब नवाज फ्राइडे का वो कितना छोटा सा रोल है, ब्लैक फ्राइडे का छोटा सरवरोश वाला, मतलब बाहर निकल के मेरा मानना है हर आदमी ने बात करी थी कि यार वो कौन था, किसी को नहीं पता चला था, मुझे नहीं पता चला था, मुझे याद है, पर वो उनका अपने बाल पकड़ के बोलना वो याद है, अभी भी वो विजुअल उस एंगल से याद है कि वो दीवार के साथ खड़े हैं, इधर आमिर खड़ा है, वो याद है विजुअल। तो पॉइंट वही है कि ये आप करना शुरू तो करो। शूल में आके वो ऑर्डर लेके चले जाते हैं, डबिंग भी किसी और ने करी हुई है, शूल में है, शूल में भी है, शूल में ये रविंद्र टंडन को मनोज वाजपेयी के खाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो कहता है क्या लोगे साहब ये, हाँ। तो कहती बहुत महंगा है, तो मनोज वाजपेयी कहते हैं हमने कभी आपको मना किया किसी चीज़, हाँ। तो उसमें जो बेटा ऑर्डर ले रहा है वो नवाज भाई है, और उनकी डबिंग भी किसी और की है, ये तो मतलब ये किसी और ने बताया मुझे, तो ये कंफर्म नहीं है, पर वो नवाज भाई है, क्योंकि मैंने भी शूल अभी देख रहा था कुछ टाइम पहले, तो मैंने एकदम बोला भाई नवाज भाई। तो बात यह है कि करा है ना, सही बात, करते गए करते गए करते गए, फिर जब भाई वो देखिए आप सलाम बॉम्बे, इरफान साहब का एक सीन है, ख़त लिखने वाला आदमी बने, वो ख़त लिख के दे रहे हैं। बात वही है कि आपने अपने दिमाग में ना, आपको ये जो कोट अनकोट हीरो बनना है, तो भाई या तो पर उस जुगाड़ से आओ, या तो फिर आप लॉन्ची हीरो, जहाँ आप लॉन्ची हीरो होते हो, या तो उस जुगाड़ से आओ, जुगाड़ नहीं है तो धीरे धीरे अपना रास्ता बनाइए, बनता जाएगा। और अगर आप में वो है, मैं एक और इसमें छोटी सी बात में, ये मतलब ये बड़ी ये अश्योरेंस दे रहा हूँ मैं बेसिकली, जो एक्टर्स हैं उनको, जो मानते हैं वाले बात नहीं कर रहा मैं, पर जो एक्टर्स हैं मैं उनको अश्योरेंस दे रहा हूँ। हमारा हुआ था, हम एक नाटक बना रहे थे, मैंने उसका अडेप्टेशन किया था, बहुत अच्छा प्ले है, लॉन्ग डे जर्नी इन टू नाइट। तो उसमें ना एक बाप का रोल है, बहुत
कमाल का रोल है, मतलब सर लॉरेंस ओलिवियर ने किया हुआ है, और बहुत मुश्किल रोल भी है, बहुत मतलब उसको करने के लिए एक्टर के अंदर बहुत दम चाहिए। तो हम लोग वो प्ले डायरेक्ट मतलब बनाने वाले थे, तो उसमें हो रहा था कि अच्छा एक्टर चाहिए, तो उसके लिए हमें लगा है बेटर है जवान आदमी के बाल सफ़ेद नहीं करेंगे इसमें ना, किसी एक उस उम्र के आदमी को ही लेते हैं जो 50-55 के आसपास हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो हम बड़े परेशान, डेट का किसी का मसला हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो हमने मैंने बोला रुक जाओ यार, NSD की ना लिस्ट निकालता हूँ कि 90s के अर्ली 90s वाले सारे पास आउट्स वगैरह ये सब ना, ऐसी एक लिस्ट निकालते हैं, और बाकी उनके कनेक्शन के जो बाकी उस टाइम के लोग हैं जो दिल्ली में थिएटर कर रहे थे, उन लोगों की भी लिस्ट वगैरह ना कहीं से ही जुगाड़ उगाड़ कर करा के सारे एक्टर्स के नाम बताओ। हमने एक लिस्ट बनाई, यार अब यकीन मानो हमें एक एक्टर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे एक्टर्स थे वो सब काम कर रहे थे, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे बिजी थे, एवरीबडी वॉज डूइंग समथिंग। तो यानी कि अगर आप जो वो थे जनरल जो तब भी घूमते थे और सिर्फ मंडी हाउसबाजी करते थे, वो लोग होंगे खाली, पर हमने जिन लोगों से जिनके बारे में सुना हुआ था फिल्म्स में नहीं, जिनके बारे में पहले से आप बात करते थे कि यार वो एक्टर बहुत अच्छा था, उस बैच में ये बहुत अच्छा एक्टर था, वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो मैंने वही बोला कि अभी हमें एक्टर नहीं मिला, वो एक अनफॉर्चुनेट बात है, पर ये कितनी खुशी की बात है कि यानी कि काम मिलेगा, किसी को थोड़ा देर से मिला है, किसी को जल्दी मिला है, बट है। तो लगे रहना ज़रूरी है और ईमानदारी से, करप्ट होकर लगे रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। अच्छा, एक चूँकि अपन बड़ी ईमानदारी से खुल के बात कर रहे हैं, तीन फिल्में बहुत हाइप और उतनी ही फ्लॉप, जीरो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड ट्यूबलाइट, लगातार लगातार, और तीनों खान, मतलब जिनका होना ये 200 तो भाई खुलेगा ही, 200 करोड़ के ऊपर जोड़ो भाई, मुझे खान स्लेयर बोलने लगे हैं लोग हैं। हाँ, कि तीनों खानों का किंग स्लेयर, GOT फैन विल गेट दिस जोक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू वर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, कभी ऐसा इल्हाम होता है एक्टर को यार ये कुछ बड़ा हो रहा है या ये कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, जो आप उस टाइम एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं बहुत छोटा हिस्सा हूँ? या देखिए, मेरा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे ना फिल्म के बीच में जनरली ना समझ में आ जाता है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, और मैं वो सिंपल फील पे मानता हूँ कि मेरा ना वो मानना है कि सेट पे आधे शूट के बाद आपको अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ बड़ी मेहनत लग रही है रोज़ वो करने में, तो एक कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा हुआ था बहुत ईमानदारी से। ट्यूबलाइट में नहीं, ट्यूबलाइट में बिल्कुल नहीं हुआ था ट्यूबलाइट, और जबकि मैं आपको ईमानदारी से बोलूं ट्यूबलाइट मुझे फिल्म इतनी ख़राब लगी भी नहीं, मैंने बाद में देखी, मैंने जो है मैं उस टाइम यहाँ पे था नहीं, मैं बाहर कहीं शूट पे ही था जब वो रिलीज़ हुई थी, फिर मैं वापस आया तो मैंने देखी, और ट्यूबलाइट मुझे तब भी नहीं लगा था क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, वो कबीर ने बहुत अच्छे तौर पर जो उस टाइम पर चल रहा था देश में उसको इंडिया पाकिस्तान ना रखते हुए इंडिया चाइना करके ना बहुत इंटेलिजेंट बात कि आप जो वॉर करते रहते हो वॉर से इम्पैक्ट क्या होता है पे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी मेरे हिसाब से, और वो फिल्म में ऐसी कोई ख़राब है नहीं जितनी लोगों ने जिस तरह से उसको नकारा है फिल्म को। तो ट्यूबलाइट में नहीं हुआ था, ट्यूबलाइट में आई एन्जॉयड माई सेल्फ कम्प्लीटली, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठग्स में और जीरो में दोनों में ना मुझे कहीं ऐसा एक पॉइंट पर लगने लगा था कि नाउ आई एम लूजिंग ट्रैक कि हो क्या रहा है, जिसका मैंने ये रीज़न माना हुआ था और आई थिंक रीज़न था भी वही टू बी वेरी ऑनेस्ट कि दोनों बहुत हैवी VFX मतलब बड़ी फिल्में थी। ट्यूबलाइट जो है वो बड़ी फिल्म इन द सेंस सलमान खान कबीर खान कॉम्बिनेशन की वजह से बड़ी फिल्म है, पर वो शूटिंग प्रोडक्शन वैल्यू वाइज उतनी बड़ी फिल्म नहीं है ना, अगर आप देखें तो जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है या जीरो है, जीरो में तो इतना VFX था कि एक पॉइंट के बाद तो आई थिंक हर आदमी थोड़ा सा वैसा था कि सब सही है ना, क्योंकि अब दो एक्टर बैठे हुए हैं, अब यही सीन जो है ये आपको 5 बार करना पड़ेगा जो हम अगर हम ये कर रहे हैं इंटरव्यू, तो क्योंकि इसमें हाइट वाइट से लेके सब कुछ, क्योंकि शाहरुख खान जो है उनको बौना बनाना है, वो ड्वार्फ बनाना है, तो सारे कैलकुलेशन चेंज होगी, तो एक ग्रीन स्क्रीन के साथ भी होगा, फिर बैकग्राउंड का एक अलग प्लेट होगी जिसमें हम लोग नहीं होंगे, आपकी अलग कुर्सी आएगी आप उस पर बैठेंगे ताकि मेरी आई लेवल ठीक रहे, मैं जो आप जो है वहाँ से फिर आपका क्लोज लगेगा, जब आप ऐसे सामने बैठे हुए हैं तो मुझे जो है आपसे बात करते में मुझे यहाँ पे देख के बात करनी है आपसे सीन में, क्योंकि आपका जब वो छोटा करेंगे तो आपका आई लेवल यहाँ पे आएगा, पर एक बार यहाँ से भी शूट करना ज़रूरी, तो इतनी बार जाते थे एक सीन हाँ, तो आपका वो जाता था कि हुआ क्या पता नहीं,
क्योंकि वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है एक एक्टर के साथ जो कंप्लीट गिव एंड टेक हो जाता है वो कंप्लीट गिव एंड टेक नहीं बन पा रहा था कहीं ना ऐसा लग रहा था VFX के चक्कर में जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से किया था मैं इस बात की सच में बता दूं वो VFX तो अच्छा था हाँ नहीं और उन्होंने कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छा किया था मतलब एक्टर्स को परेशानी हो वाला बिल्कुल नहीं था मतलब उन लोगों ने बहुत स्मूथ रखा था बट स्टिल ऐसे ही बैठ के सीन हो जाना के साथ आपने पहले भी राजनाथ हिमांशु आनंद के साथ पहले कर चुका हूँ शाहरुख सर के साथ पहले कर चुका था काम रईस में तो एक उनके साथ अच्छी रैपो थी प्लस जो उनकी टीम थी VFX की विशाल वगैरह वो लोग बहुत बढ़िया लोग थे तो उन लोगों ने बहुत स्मूथली काम किया था मतलब उसमें कोई शक नहीं मनु जो DOP थे मनु आनंद वो सब बढ़िया काम कर रहे थे बट मेरा पर्सपेक्टिव लूज होने लगा था एक पॉइंट के बाद कि भाई समझ में नहीं आया सीन कैसा हुआ क्योंकि मैं तो यहाँ देख के बात कर रहा था तो मेरा ध्यान ये था कि कहीं गलती क्या होती है कि आप ऐसे तो कर लोगे शुरुआत हुई सीन की और आप ऐसे बात करना शुरू किया फिर जब मैं इधर से देख के वापस आऊँगा ना तब नेचुरली मैं आपकी आँख पे देखूँगा तो आपका ध्यान इस पर रहता है कि नहीं यार वापस भी यहीं आना है तो यहाँ पे ध्यान रखने के चक्कर में बाकी चीजों में ध्यान छूटता है आपका वो छूटना शुरू होता है तो वो मेरे लिए एज एन एक्टर ना थोड़ा बहुत ज्यादा स्किल का यूज ज्यादा था रादर देन कि क्या घट रहा है उसे घटने दो तो आई थिंक मेरा उस वजह से उसमें और ठग्स में क्योंकि बहुत ग्रैंड शूट था तो सीन तो अगर आपने देखें तो सीन तो कम ही है उसमें वैसे मेरे घर में आई शेयर पर्सनल स्टोरी ट्यूबलाइट मैंने नहीं देखी है रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो हिम्मत नहीं हुआ हाँ नहीं वैसे भी मतलब सलमान खान की फिल्में तो आप एक अलग जोन में ही जाके देखते हो कभी जीरो मैंने देखनी शुरू की आई गिव अप मिडवे नहीं देख पाया ज़्यादातर लोगों का हाँ नहीं देख पाया पूरी और वो वाले सीन अच्छे हैं जिसमें तिग्मांशु और शाहरुख के बीच बातचीत हो लड़ाई झगड़ा हो रहा हाँ वो वहाँ तक वो अपने जोन फिल्म लगती वो फिर पता नहीं कुछ कहीं और ही चली जाती है फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मैंने पूरी देखी है और इस बात में मेरे घर में मजाक उड़ाता है और मेरी वाइफ कहती है अरे ये आदमी ये तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखता है बैठ के ऐसे करके मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित था एक बड़ी कमाल की किताब है फिलिप मिडोस टेलर की कन्फेशंस ऑफ अ ठग वंडरफुल बुक और उसका भी मेन प्रोटैगनिस्ट आमिर अली है और वो मैं जिस एरिया का रहने वाला हूँ वहीं पे फाइनली पकड़ा जाता है वो जालौन के नवाब को तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये बड़ी कमाल की किताब है पर जब वो फिल्म का ट्रेलर और फिर मैंने कहा यार ये तो जैसे रिबॉक रिबुक किया है ना तो ये तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और कई चीज़ों को मिला के अलग है वो नहीं वो बुक पे तो देखिए कभी से भी नहीं थी ईमानदारी वो मेरा एक हाँ मतलब वो तो कई लोगों को ऐसा लगा था क्योंकि कई जगह पे न्यूज़ में भी ये था के कन्फेशंस ऑफ अ ठग पे बन रही है जो कि मतलब मुझे तो पता था कि नहीं है क्लियरली पर जब स्क्रिप्ट आई तब ये पता नहीं मुझे ना अभी भी वही एक ना वो बहुत होता है बनते टाइम ना वो जनरेशन लॉस ना वो कोई ना हैंडल कर नहीं सकता जैसे मैं आपको सही बताऊं ठग्स की स्क्रिप्ट जो है ना वो बड़ी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है मुझे पता है फिल्म उतनी एंटरटेनिंग नहीं बन पाई फॉर वॉट एवर रीजन्स बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा यार बड़ा मज़ेदार वो है एक सिंपल सी कमर्शियल सी कहानी इधर से ये आता है चोर एक चोर पुलिस वाली बड़ी पुरानी सी एक यहाँ भागेगा वहाँ पे आएगा धोखा देगा फिर साथ में आएगा हाँ हाँ इंटरेस्टिंग प्लॉट्स हैं ये वो मज़ाइया सब कुछ चल रहा था बट सडनली वो फिल्म क्या थी मतलब मैं भी देखने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी ऐसा हुआ था कि अच्छा कुछ अलग गया पर मुझे लग रहा था नहीं यार इट विल वर्क ये BGM वगैरह के साथ ना मैं इतना रह चुका हूँ इस स्क्रिप्ट के साथ तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि नहीं यार सही है यार मज़ेदार है क्योंकि मेरे दिमाग में मेमोरी स्क्रिप्ट की थी और मुझे लगा है BGM वगैरह के साथ ये प्रोजेक्शन बच्चन साहब जब कूदेंगे तो लोग सीटियाँ मारेंगे आमिर की जब एंट्री होगी तो सीटियाँ पड़ेंगी लोग एंगेज रहेंगे बट वैसे दैट कॉम्बो वॉज वेरी हेडी इन इटसेल्फ अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान शेयरिंग दिस आधे लोग तो उसी बात पर एक्साइटेड थे कि कुछ तो होगा अद्भुत होगा पर वही है नहीं बैठा तीन हाँ मतलब लगातार तीन फ्लॉप इसी के बाद डिसाइड करना पड़ा मुझे कि ऐसा वो करो जिसकी मेरा ना एक वो बड़ा दर्द था ईमानदारी से बताऊँ मैंने कहीं बोला भी था दो तीन इंटरव्यूज़ में मेरा वो बहुत बड़ा दर्द था कि यार फिल्में फ्लॉप होने पे भी हम इतने अनइम्पॉर्टेंट है कि गाज भी नहीं गिर रही हम पे कि कोई ये फिल्म फ्लॉप होने पे ये भी नहीं बोल रहा है यार देखो ज़ीशान की फिल्म फ्लॉप हो गई मैंने कहा यार ये कितना नॉन एग्जिस्टेंट हूँ मैं इन फिल्मों में इसका मतलब
कि जब लोग इस पर गुस्सा कर रहे हैं, तीन तीन हो गए लगातार, उसमें गाली किसी और को ही पड़ रही है, आप गाली के भी लायक नहीं है उस फिल्म में, अप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए, मतलब वो अलग बात है कुछ क्रिटिक्स वगैरह ने बोल दिया तो अच्छा, लेकिन मुद्दे की बात यह कि मुझे ना मुझे ये बड़ा बुरा लगा कि यार स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, मतलब आपका काम कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसकी ओनस आप पे भी आनी चाहिए, तो कुछ ना डिग्निफाइड कैरेक्टर लेना ज़रूरी है। मैं अगर इनमें से किसी भी फिल्म में कहीं अलग भी उस पर होता, जैसे ट्यूबलाइट में मैं फिर भी बोलूँगा कि ट्यूबलाइट में मुझे डिग्निफाइड कैरेक्टर एक ज़्यादा मिला हुआ था। हाउ इज़ ही सलमान खान? ये मेरे साथ बहुत बढ़िया, मतलब मैंने सुनी हुई है सल्लू भाई की कहानियाँ कि सल्लू भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बट मेरे साथ बहुत कमाल एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है, पर मेरे क्लोजअप में भी कैमरे के पीछे सल्लू भाई खड़े होके क्यों दिया करते थे, तो ही लाइक्ड मी आई थिंक, मतलब मेरा ये मानना है कि उनको मैं पसंद आया था किसी वजह से, और ही वॉज वेरी गुड विद मी, मतलब अभी भी दो तीन बार, उसके बाद दो बार मिले हम, तो दोनों बार बड़े अच्छे से कि ज़ीशान कैसे हो, क्या हाल है और क्या चल रहा है, गुड 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 गुड, लगे रहो, तो एक पॉजिटिव वाइब है, तो मेरे साथ बहुत अच्छे से सलमान भाई, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। ये शाहरुख सर के साथ तो बहुत ही कुर्बत एक वो है ही मेरी, मतलब उनके तो ट्वीट व्वीट भी चल गए थे, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं शाहरुख सर, तो उन्होंने तो दो बार ट्वीट व्वीट कर दिया था वैसा वाला कि बहुत कमाल एक्टर है ज़ीशान और मैं सीखता हूँ इससे, और मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप, गलती हो गई। तो शाहरुख सर तो मतलब ही जेन्युइनली लव्स मी, मतलब ये बात मैं बड़े श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, उन्होंने किताबें वगैरह भी गिफ्ट करी मुझे, कुछ उस पर जो नोट पर्सनल भी लिखे, तो ही रियली लाइक्स मी, मतलब वो पार्टियों में मैं नहीं भी होता हूँ तो लोग बताते हैं कि पीछे से जो है वो पीछे से भी मेरे बारे में बात करते हैं, तो पॉजिटिव में बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक बात है कि इसका मतलब ही एक्चुअली लव्स मी। आमिर के साथ मेरा बहुत कुछ डिटेल्ड वो नहीं हुआ, मतलब आमिर जो है वो आई थिंक थोड़ा कंटेन्ड आदमी है, और जैसे मैंने बताया कि मैं भी शाय हूँ, तो हमने टाइम बहुत स्पेंड किया, पर हमारी बहुत क्या बोलूँ मैं, ऊपरी बातें हुई, मतलब ऊपरी भी नहीं, खुले नहीं, मतलब हमारी ना कोई कि अच्छा सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये कितना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गार्ड नीचे नहीं हो, फिल्में ये वाली बहुत अच्छी हैं, इस फिल्म में ये एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये होना चाहिए, एक्टर फिल्म के क्राफ्ट में बेसिक आइडिया क्या होता है, तो क्राफ्ट और इन चीज़ों पे बात हुई, कुछ वॉर्म्थ जो एक वैसी शेयर करने वाली होती है ना कि अबे बहुत ठंड पड़ रही है यार इस बार, हाँ ये वाला नहीं पड़ी है, वो वाली नहीं, ये वाला नहीं हुआ, तो आमिर के साथ मेरा बड़ा बहुत सेरेब्रल जिसको बोलते हैं ना, बड़ा सेरेब्रल रिलेशन बना, जो कि भी ठीक था, मतलब जरूरी थोड़ी हरा दिया। You're not out there to make friends on every single scene. दो छोटे छोटे सवाल और इस लंबी और दिलचस्प बातचीत के आखिरी में, पहला अभी क्या प्रोजेक्ट्स हैं ज़ीशान के जो आने वाले हैं? देखिए एक अभी फिल्म आ रही है छलांग नाम की, हंसल मेहता ने डायरेक्ट करी है, लवरंजन प्रोड्यूसर हैं और टी सीरीज, और राजकुमार राव जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर कर रहे हैं, नुशरत भरूचा हैं, अच्छी कास्ट है, सौरभ शुक्ला हैं, सतीश कौशिक हैं, बलजिंदर दी हैं, तो काफ़ी लोग हैं, मैं भी हूँ उसमें, तो एंटैगनिस्ट की भूमिका है, अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है, मज़ेदार फिल्म है, तो फिल्म के नाम पे वो आने वाली है, मज़ा आएगा देखने में। हाँ राजकुमार राव और हाँ बहुत वक्त बाद ज़ीशान हम दोनों साथ में फ्रेम में और हमारा तो वो वाला एक मजाक चल रहा था कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को मौज आ रही है वो हमारी केमिस्ट्री पे आ रही है, जबकि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं उसमें, पर लोगों को मज़ा आ रहा है उस केमिस्ट्री में, तो आई थिंक कुछ हमें शूट करते में बहुत मज़ा आया ये मैं जानता हूँ, हमने यहाँ झज्जर गांव में शूट किया, बहुत फन था, सर्दियों में भी किया गर्मियों में भी किया, बट मेरा और राज की अलग लेवल की बॉन्डिंग बनी इस दौरान, मतलब पहले भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे, पर इसने सडनली हम लोगों को ना और एकदम पुख्ता दोस्ती की तरफ लेके गया, तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, लव सर से अच्छी दोस्ती हुई, हंसल के साथ तो पुराना रिलेशन है ही, ये हंसल के साथ पहले कोई प्रोजेक्ट किया है शाहिद? अच्छा हाँ, और मैंने उनके साथ एक वो भी किया है, मतलब वो उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं है, पर एक उन्होंने रोहित वेमुला का जो लास्ट लेटर था उसको शूट किया था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए, तो उसमें वो फिल्म शॉर्ट फिल्म के तौर पर दिखाई गई थी, तो मैंने ही पढ़ा था उसमें रोहित वेमुला वाला लेटर, तो और उसके अलावा भी आई थिंक पॉलिटिक्स की वजह से मेरी और हंसल सर की लगातार जो है कुछ 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 बातचीत
मैसेज शेयर किया, अरे वहाँ का पता चला। ये भोजन शेयर नहीं करते हैं आपके साथ? भोजन यार बीच में दो साल उन्होंने बुलाया नहीं भोजन के लिए, मैंने बोला यार क्या कर रहे हो दो साल। हाँ मैंने कहा क्या हो गया है, तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, पर अभी बुला के निहारी खिलाई थी उन्होंने, लाजवाब। तो वो था, और एक सीरीज है पर आई थिंक उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, वो हाँ पता करना पड़ेगा। सीरीज अनाउंस हो चुकी है वैसे? हाँ लेकिन अभी स्पेकुलेशन में है। तो वो है रंगबाज तो आई गई है, बस फिर से बस साहब बाकी कोई काम नहीं है, बाकी मौज है। अच्छा, कई लोगों ने ऐसा कहा कि अब ज़ीशान इतना खुल के इस सरकार की मुखालफत कर रहे हैं तो इसका हो सकता है मुंबई में इन्हें मिल रहे काम पे असर पड़े, पर कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये पैमाना होता तो अनुराग कश्यप सरीखों को तो काम मिलता ही नहीं, पर वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। सत्य क्या है आपका यार? देखिए कोई ऐसी हिदायतें या कुछ? देखिए हिदायतें तो आ ही रही हैं जैसे मैं बता ही रहा था आपको, तो कहीं तो मेरा मानना है छोटा सा कुछ फर्क तो पड़ता सा है, ठीक है, जिसमें मेरे दो पॉइंट है सिंपल। एक तो ये कि इसके चक्कर में तो मैं रुक नहीं सकता अपनी बात बोलने से, मतलब वही वाली बात कि पहले सिटीजन था बाद में फिल्मों में आया हूँ और एक्टर बना हूँ, तो एक तो वो उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। बट दूसरे तौर पर अगर मैं बोलूँ तो मेरा मानना ऐसा होगा नहीं, मुझे ना भरोसा है, मतलब जो मैं बोलता हूँ ना कि इंडस्ट्री में बाकी लाख परेशानियाँ हों ये भी है वो भी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ना काम को अप्रिशिएट करना जानती है, तो मेरा मानना है कि काम मिलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहे मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अग्री ना भी करते हो, सब्सक्राइब ना भी करते हो, बट स्टिल दे लाइक मी फॉर द काइंड ऑफ एक्टर आई एम, तो वो लोग भी लेंगे ही। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ इससे इफेक्ट होने वाला है, पर अगर हो भी गया तो भाई देखिए देखिए। अच्छा आखिरी सवाल ये है कि मुझे नहीं पता कि अमूमन हम बचते हैं पर आपसे थोड़ा याराना है, पर्सनल लाइफ मतलब NSD में हैं आप थे और वहीं पे आपको प्यार मिला? नहीं ये आप कह रहे हैं। अच्छा ओके सॉरी। और वो बहुत थिएटर कर रही हैं अभी लगातार, तो मतलब घर पे क्राफ्ट पे किस तरह की बात, मतलब हाउ इज इट, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। हमारा ना बहुत बहुत मज़ेदार है, हम दोनों ना बहुत अलग तरह के आर्टिस्ट हैं। यू गाइस वर बैचमेट्स? नहीं, रसिक मुझसे एक साल सीनियर है। हम लोग बड़ी क्लियर बात करते हैं कि भाई अगर हम बैचमेट होते तो इम्पॉसिबल था कि हम प्यार में पड़ते या शादी करते, हमारी सिर्फ लड़ाइयाँ ही हो रही होती। तो काम को लेके जो एक लौती चीज़ हमें बांधती है हमारे काम को, वो हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी समाज की अंडरस्टैंडिंग और हमारी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ये चीज़ कॉमन है। काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब जैसे मैं अभी बोल भी रहा था ना कि वो वर्कहॉलिक है, उसे बहुत काम करने की आदत है, मैं एक आलसी आदमी। और इसका सिर्फ थिएटर करती है? अभी वो मेजरली थिएटर ही कर रही है, मतलब बिकॉज शी वॉज इन्जॉइंग इट थरली। अभी एक मराठी फिल्म उसने साइन करी है तो अब उसमें फिर एक्ट करेगी। अभी एक्चुअली वो तो बीच में काफ़ी साल तो सिर्फ डायरेक्ट कर रही थी, मतलब अपने प्ले में फिर कोई छोटा रोल कर लिया वैसे वाले पे थी। नाउ शी हैज़ ओपन्ड अप, अब बाहर के ग्रुप्स के साथ भी एक्ट करना शुरू कर दिया उसने, तो अभी दो प्ले करे, एक मोहित के साथ किया, मोहित तकलकर के साथ, एक और वो लड़का मैं नाम भूल गया, नया लड़का है कोई दिल्ली, तो वो ड्रामा स्कूल मुंबई का पास आउट है और किरोड़ी मल कॉलेज का भी है, तो उसके साथ एक उसने प्ले किया, तो वो वर्कहॉलिक है, उसे नाटक में एक्ट करना सारे ही एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा वो है। मैं आलसी आदमी हूँ और हमारे काम का एक बेसिक वो भी बड़ा डिसएग्रीमेंट है, तो हमारे तो नाटकों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो रसिका का वैसा वाला रहता है कि वो ये क्या ये वैसी कहानी जिसकी जिसके पहले ही अंक और पहले ही दृश्य में झगड़ा होता है? जी पहले में, तो पहले तो आप दादा बोलते होंगे, सीनियर थी भाई, मैं तो वही बोलता हूँ कि मैं NSD में सीनियर्स को दादा बोलते हैं और जेंडर का उसमें कोई रोल नहीं होता, सब दादा है। हाँ तो हम जो है मैं तो रैगिंग का बदला ले रहा हूँ। एक्चुअली रसिका भी जो है वो कभी रैंकिंग में इन्वॉल्व थी नहीं, ईमानदारी की बात, पर ना 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 भाई हमें कुछ घर भी जाने वाला कोई पंगा नहीं है। नहीं रसिका एक्चुअली नहीं थी रैंकिंग में इन्वॉल्व, वो अपना घूमते हुए, वो भी अपने बैच की इनकी जो पांच लड़कियां थी उसमें गंदी मछलियों में से ये एक थी। गंदी मछली एक टर्म दिया जाता है NSD में, जो परंपरा के खिलाफ कोई बात करते हैं उनको बोला जाता है गंदी मछली है, तालाब गंदा करेगी। अच्छा वो भी बेचारी अपनी बैच की गंदी मछली थी। हमारी एक्चुअली बात की शुरुआत जो है वो होती है हम कॉमन दोस्तों में एक बार ऐसी बात बात हुई कि बाहर जाते हैं बंगाली मार्केट में कुछ खा पी आते हैं टाइप में,
तो रसिका भी थी, और वहाँ पे ना कुछ वेद के किसी एक पर्टिकुलर बात पे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस पॉइंट पे, कुछ एक चर्चा सी निकल रही थी, तो उस पे मैंने भी बोला, तो मैं भी क्योंकि पढ़ता लिखता रहता था तो मैंने भी कुछ पॉइंट बोला, और रसिका संस्कृत में ग्रेजुएट है हाँ फर्ग्यूसन से, तो उसके और उसको अच्छे से मतलब वो पूरी तरह समझ पाती है इस वजह से, तो रसिका ने फिर कुछ काउंटर दिया कि नहीं नहीं तुम सही जा रहे हो पर यहाँ तक नहीं है ऐसा है, तो हमारे उस पर एक डिस्कशन था, हम दोनों का एक शुरू हो गया कि बाकी लोग पर अपना चलो आओ चाट पापड़ी खा लो ये सब कर लो, हमारे वहाँ से शुरुआत होती है, फिर एकदम से एक बेसिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे बात शुरू होने लगी, क्योंकि वो आरएसएस फैमिली से थी उससे पहले, फिर उसका कॉलेज में आके चेंज हुआ था, मैं ओखला का था, मैंने ओखला का सिनेरियो बताया, मैं भी कॉलेज में आके बदला था, सेम उम्र है मतलब वो मुझसे छोटी है उसका, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हो गया था मेरा दूसरे में हुआ, तो वो सीनियर हो गई वरना हम बैचमेट रहे होते, तो हम जो है तो हमारा एक बेसिक इंटरेक्शन वगैरह शुरू हो गया पॉलिटिक्स को लेके, माइथोलॉजी को लेके, रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह को लेके कि कहाँ फंसता है क्या होता है कैसे होता है वो, फिर वो बस चलता गया और मेरे फर्स्ट ईयर के एंड में मैं बॉम्बे गया था, और हमें तब तक ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ये कोई रिलेशनशिप है, सिर्फ वो दोस्ती ही थी, फिर मैं बॉम्बे आया था और रसिका पुणे की है, तो वो पुणे में थी, और वो मुझसे मिलने के लिए, और मैंने भी एक्साइटेड होके प्लान बना लिया था मुझ जैसे आलसी आदमी ने भी, वो मिलने के लिए बॉम्बे आ गई थी कि ऐसी आ रही हूँ कॉफ़ी पी लेंगे, तो कुछ नहीं वो आई सुबह बस पकड़ के, वो आई हमने पृथ्वी के बगल में जो कैफ़े कॉफ़ी डे है वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने कॉफ़ी पी हम दोनों ने, और जिसमें भी मैंने वैसे वाले बदतमीज़ी करी थी कि मैंने बोला कि नहीं नहीं पैसे मैं देता हूँ, तो सोना नहीं हम शेयर करते हैं, तो मैंने कहा मेरे दोस्तों ने बोला कि तू डेट पे लेट जा रहा है तो पैसे दीजिए, एंड दैट इज़ हाउ यू अनाउंस कि तुम डेट पे जा रहे हो, ये डेट थी, तो हमें उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा तो कुछ घटने लगा है क्या, फिर फ़ोन पे लगातार बातें होना, उस टाइम तक वाले प्लान्स आना शुरू हो गए थे कि एक नंबर में सस्ता कॉल हो सकता है, तो उसमें ये नंबर डलवा लेना अपने आप में एक साइन था कि कुछ तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये उन दिनों की बात है जब इन चीज़ों का, मैं जब आप एनएसडी में थे मैं जेएनयू में था, हाँ तो ये सेम वक्त, तो हाँ 2004-06 करेक्ट, एंड बाय द वे मैंने आज तक बतौर पत्रकार एनएसडी में सिर्फ एक चीज़ कवर की है, और वो ज़ीशान का फाइनल प्रोडक्शन था, सेकंड लास्ट ताजमहल नहीं द संस्कृत वाला जो था फर्स्ट प्रोडक्शन था वो, सॉरी फर्स्ट प्रोडक्शन मालविका अग्निमित्र, और उसमें जो शुरू में आके वो नांदी पार्ट वगैरह होता है वो नहीं, मतलब कि मैंने आप लोगों का लास्ट भी किया है क्योंकि तब मैं लाइव इंडिया में मैं 2-3 महीने रहा था 2007 वाज योर लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर, हाँ तो आप लोगों का जो लास्ट प्रोडक्शन भी था वो प्ले कैंडिडा, हाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, हाँ क्योंकि उसके बाद सब बड़े भावुक होकर बैठते हैं लास्ट, हाँ और वो अभिमुख जो अंदर वाला एक है बहुमुख में हुआ, बहुमुख में हुआ, सो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट असाइनमेंट एज अ रिपोर्टर, एज अ टीवी रिपोर्टर इन एनएसडी, तो मैं भूल भी गया था, फिर मैंने कहा ये बैच है, तो बहुत बाद में फिर जब दोबारा से कनेक्ट हुए तो तब समझ में आया ये था कि ये बिल्कुल वैसा हो गया पीयूष भाई मैं आपसे मिला हूँ पहले, ज़ीशान मजा आया, हम फिर बात करेंगे, और आप चुनौतीपूर्ण काम करते रहें और मुखर रहें, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें कही, और जो जिन लोगों कई लोगों को लगता है ना कि आप जब एक आंदोलन के समर्थन में खड़े हो तो एक पाले में खड़े हो, इसलिए एक पाले को ऑफेंड करने वाली बातें करोगे दूसरे को नहीं, जैसे ये हमारे साथ भी हुआ, एक शेयर करता हूँ आप साथ एग्जाम्पल, जामिया में छात्रों के साथ हिंसा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को मंदिर मस्जिद से ज़्यादा प्रयोगशालाओं की, स्कूलों की, लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, है ना, डेफिनेटली एक इंसान के हाथ में एक किताब हो ये बड़ी उम्मीदों से भरी तस्वीर है ना, तो हमने खूब उस पर कवरेज की कि आप कैसे घुस सकते हो, कैसे मार सकते हो छात्रों को और ये सब, उस दौरान दो लड़कियां बड़ी मकबूल हुई, देवर लाइक द पोस्टर गर्ल ऑफ जामिया, है ना, लदीदा और दूसरी लड़कियां, फिर जब उनके हमने उनके प्रीवियस पोस्ट देखे तो जितनी हमने वहाबिज्म पे चर्चा की वो सब, तो हमें उन दो लड़कियों के विचार प्रॉब्लमेटिक लगे, तो हमने उस पर मैंने एक ट्वीट किया तो कई लोग ऑफेंड हो गए, वो ऐसा वाला था कि अच्छा अभी तक तो आप हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब आपने हमारे कॉज के कॉज में क्रिटिसाइज कैसे कर दिया,
तो मैंने उनको कहा भाई ऑब्जेक्टिविटी तो यही है ना कि कट्टरपंथ तो हर तरफ का गलत है, आप एक तरफ के कट्टरपंथ से दूसरी तरफ का कट्टरपंथ अपना के नहीं लड़ सकते। फिर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट करने गया तो वहाँ भी कई लोगों ने गुस्से में घेरा कि आपने वो ट्वीट कैसे कर दिया। तो मैंने कहा बिकॉज आई डोंट सब्सक्राइब देयर व्यूज। आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, इस मुल्क के दायरे में सब बातें करें। फिर हमने वो स्टोरी भी की, उसको भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत होती है कि भाई आप तो ओखला के हो और आपने अभी होगा साहब हाँ अभी इस तरफ वाले ट्रोल्स भी आएंगे मेरे ऊपर, आपने जो मुझे भी घसीटा अपने साथ। पर ये अच्छा है, सब तरफ से मारे जाते हैं कबीर दास जी, हम तो पहले ही नियति लिख गए हैं। ज़ीशान अय्यूब से ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? एकदम से मैं भी एंकर वाले रोल में आ गया हूँ। ज़ीशान से आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संवाद लगातार करते रहिए और पुरानी किताबें पढ़िए, देखिए वेद पे चर्चा कर करके आदमी इश्क के ग्रंथ तक पहुंच गया। इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर एंड थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और आप ऐसे ही लल्लन टॉप बने रहिए और अपन यूं ही अड्डेबाजी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।